एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज मैं आप लोगों के लिए इस सीरीज की अब तक की पूरी कंप्लीट वीडियो एक्सप्लेन करने वाली हूँ। वीडियो को मैंने काफी डिटेल में एक्सप्लेन किया है, इसलिए इस सीरीज में होने वाली एक भी इंसिडेंस छूटी नहीं है। तो चलिए बिना किसी देरी किए अब वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ, अगर वीडियो आपको जरा से भी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना ना भूलें। अब एपिसोड की शुरुआत में ही हमारा मेन लीड दिखाया जाता है। इसका नाम किंग फैंग है और इसे हम फैंग बुलाएंगे। ये एक उजड़े हुए बंजर और सुनसान इलाके में है जहाँ पे वो किसी का शिकार करने आया है। और यहाँ पे वो जिस चीज का शिकार करने आया है वो एक विशाल काय लेजर्ड है। लेकिन यहाँ फैंग को पता चलता है कि उस मॉन्स्टर का शिकार करने एक और लड़की भी आई है। इस लड़की का नाम वी ही है, जिसके शिकार करने की टेक्निक को फैंग चुपके से देखने लगता है। यहाँ वो वी ही के स्किल्स देख के उसे बेवकूफ कहता है कि इस लड़की को तो ये भी नहीं पता कि ये जो स्टोन टेल लिजर्ट होता है, इसकी वीक पॉइंट उसकी गर्दन होती है। इस लड़की का फिगर ही सिर्फ अच्छा है, बाकी इसके दिमाग तो घुटने में है। आगे हमें फाइटिंग सीन दिखाया जाता है जहाँ वी ही लगातार उस मॉन्स्टर पे अटैक कर रही होती है, लेकिन उस मॉन्स्टर के वीक पॉइंट पे अटैक ना होने के कारण वो बार बार बच जाता है, क्योंकि उसकी मोटी खाल इतनी ज्यादा कठोर होती है कि वी ही के हर अटैक से वो आसानी से बच जाता है। लेकिन दूसरी तरफ यहाँ फैंग को ये चिंता होती है कि उस मॉन्स्टर के शरीर पर अगर इस तरह के अटैक से खरोंच आ गई तो उसका स्किन कीमती नहीं बिकेगा। इसीलिए उसे एक आइडिया सोचता है और एक बड़ा पत्थर उस मॉन्स्टर की तरफ जा फेंकता है, जिससे उसका ध्यान भटक जाए और उस मॉन्स्टर के वीक पॉइंट वो इस लड़की को बता सके ताकि वो उस पर अटैक कर सके। आगे वो वी को चिल्ला के बता रहा होता है कि वो इस मॉन्स्टर के वीक पॉइंट पे अटैक करे, ना कि यहाँ पे वक्त जाया करे। लेकिन यहाँ वी तो पानी पीने में मगन होती है। आगे हम वी को देखते हैं जो एक फायर तलिस्मान से उस मॉन्स्टर के गर्दन पे अटैक करती है, जिसके कारण वहाँ पे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, जिसके कारण उस छोटे टीले पे हुए कंपन की वजह से फैंग भी नीचे गिर जाता है। लेकिन जब उसके सामने वी ही आती है तो वो ऐसा जताता है मानो उसे ये खरोच भी नहीं आई, लेकिन वो अंदर ही अंदर दर्द से कांप रहा होता है। आगे हम फैंग को देखते हैं जो उस मॉन्स्टर की चमड़ी को लेने के लिए यहाँ अपना ड्रामा शुरू कर देता है। वो उस मॉन्स्टर को सुंदरी कह के पुकारता है और यहाँ वी ही से कहता है कि वो उसका मॉम है, उसी ने ही सुंदरी को पाल पोस करके बड़ा किया है। और जबकि वी ही ने उस पर अटैक करके उसे मार दिया है, तो उसकी आत्मा की शक्ति के लिए वो सुंदरी को अपने साथ अपने घर ले जा रहा है। अब वी ही इसका रोना सुन के काफी इमोशनल हो जाती है कि तभी वो उसे बताती है कि लगता है कि तुम्हारा दामाद वापस आ गया है, मीन्स कि उस मॉन्स्टर का साथी वापस आ गया है जो अपने साथी को इस तरह मरा देख के। वो फैंग के पीछे हाथ धो के पड़ जाता है, जिसे देख के वी ही उसका मजाक उड़ाने लगती है, ये कहते हुए कि लगता है सास और दामाद के बीच अच्छे संबंध नहीं है। जिस पे फैंग उसे जवाब देता है कि मेरी सुंदरी ने भाग के शादी की थी, इसलिए मुझे मेरा दामाद पसंद नहीं है। जिस पे वी ही अब उसे बचाने के लिए अपने आइस विंड ब्लेड का यूज करती है, जिसके लगातार अटैक से उस मॉन्स्टर पे पड़ रहे होते हैं। लेकिन फैंग भी उस अटैक के चमेट में आ जाता है, जिस पे वो फिर से वी ही पे गुस्सा होते हुए कहता है कि जरा ध्यान से अटैक करो, तुम क्या मुझे भी मार डालोगी। जिस पे वी ही उसे कहती है कि तुम्हें अगर इस अटैक से बचना है तो किसी सेफ जगह पे जाके छुप जाओ। उसी समय हम फैंग को देखते हैं जो कि एक शील्ड निकाल करके अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है, और वहीं दूसरी तरफ वी ही अपने विंड ब्लेड तलिस्मान का यूज करती है और एक झटके में ही उस मॉन्स्टर का वहीं खेल खत्म हो जाता है। फैंग उस मॉन्स्टर के पास आता है जो उसकी मोटी चमड़ी देख के कह रहा होता है कि इसकी अच्छी खासी कीमत बाजार में मुझे मिलेगी। लेकिन वी ही इस बात को सुन लेती है और उसके पूरे ड्रामे को समझ जाती है, और यहाँ उसे कहने लगती है कि इसके बारे में सोचना भी मत, क्योंकि इन दोनों मॉन्स्टर्स को मैंने मारा है तो इन्हें लेने का हक सिर्फ मेरा ही है। जिसपे फैंग उसे जवाब देता है कि वो दो दिनों से यहाँ पे घात लगाए बैठा है, और अगर वो आज यहाँ पे नहीं आती तो वो दूसरा मेल मॉन्स्टर यहाँ पे अट्रैक्ट नहीं होता, इसलिए इन दोनों मॉन्स्टर की खाल तो वही लेगा, और तुम्हारे डिस्ट्रैक्ट करने के कारण ही आज उसका जो अर्थशील्ड वाला कोटा था वो पूरी तरह से खत्म हो गया है। जिसपे वी ही उसे कहती है कि मुझे इन सब से कोई मतलब नहीं है, इन मॉन्स्टर्स को तो मैं ही ले जाऊंगी। अब यहाँ जो फैंग होता है वो उसे मस्का लगाने लगता है, ये कहते हुए कि तुमने जो यहाँ तिलिस्मान से यूज किए थे वो इन दोनों के स्किन से तो कई ज्यादा महंगे हैं, इसीलिए इनकी स्किन को बेच करके तुम उसका हर्जाना भी नहीं निकाल पाओगी, तो क्यों ना तुम इनकी स्किन को मुझे चैरिटी के रूप में दे दो। जिसपे वही उसे कहती है कि मैं अपने शिकार को पकड़ने के लिए चाहे कितनी भी महंगे तिलिस्मान को खर्च करूँ, तुम्हें उसे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। जिसपे यहाँ पे फैंग एक तरकीब सोचता है और उससे पूछता है क्या तुम्हारे पास अब भी विंड तिलिस्मान बचे हुए हैं। यहाँ वी ही नाम में जवाब देती है, इसलिए फैंग उसे कहता है कि तुम्हारे लिए मेरे पास इससे भी कुछ ज्यादा कीमती चीज है। और आगे जब वो अपनी मुट्ठी खोलता है तो उसके हाथ में मामूली रेत होती है, जिसे वो वी ही के आंखों में धूल झोंकते हुए उन दोनों मॉन्स्टर्स को लेके वहाँ से 9-11 हो जाता है, क्योंकि यहाँ फैंग जानता था कि अब वी ही के पास विंड तलिस्मान नहीं है तो वो उसका पीछा भी नहीं कर सकती। इस बात से वी ही खिस जाती है और एक ना एक दिन उसे बदला लेने का डिसाइड कर लेती है। आगे यहाँ सीन चेंज होता है
और हमें फैंग की छोटी सी कुटिया दिखाई जाती है जिसमें उसी के रोने की आवाज आई थी, क्योंकि उसने जो स्किन को बेच करके मनी इकट्ठा की थी उसे ही एक प्राचीन पॉट को खरीदने में पूरे के पूरे पैसे झोंक दिए थे। लेकिन वो प्राचीन पॉट पूरी तरह से नल्ला होता है, जिसे देख करके वो चिल्ला रहा होता है। यहाँ वो अपने आप को ही कोस रहा होता है कि किस तरह से उसने फ्रॉड करके ये मनी इकट्ठा की थी, और अब देखो उसी के साथ फ्रॉड हो चुका है। आगे वो गुस्से से उस प्राचीन पॉट को जमीन में ही दे मारता है, जिसपे वो पॉट दोबारा से उसे ही हिट करती है और उसमें से अब एक स्प्रिट बाहर निकलती है, जिसे देख के तो फैंग पहले डर जाता है और उसे घोस्ट कह के पुकारने लगता है। लेकिन हम देखते हैं कि उस पॉट में से एक बॉनी इल्डर निकलते हैं, जो कि अपने आप को एक वेपन स्प्रिट बताते हैं। बाहर निकलते ही उसे खून की तलब लगती है और वो फैंग से ब्लड मांगने लगता है, जिसपे फैंग उससे कहता है कि वो बहुत पतला है इसलिए उसका ब्लड काफी बेस्वाद होगा। जिसपे वो ओल्ड मैन उसे कहता है कि तुम्हारा ब्लड किसे चाहिए, मुझे तो एक मॉन्स्टर के खून की तलब लगी है, और वो एक ऐसा मॉन्स्टर होना चाहिए जिसकी स्प्रिट फायर ड्रैगन की हो। जिसपे फैंग उन्हें बताता है कि वो एक ऐसी जगह जानता है जहाँ पे कई सारे फायर ड्रैगन मिलते हैं और उनसे वो फाइट करके वो अपनी प्यास बुझा सकते हैं। जिसपे एल्डर के ये कहते ही कि वो फाइट नहीं कर सकते। यहाँ पर फैंग उनसे पूछता है जब आप फाइट नहीं कर सकते तो आप क्या कर सकते हो। जिसपे एल्डर उसे बताता है कि वो किसी का भी रूप धारण कर सकते हैं, मतलब कि किसी के भी बॉडी के शेप को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। अब इस बात पे फैंग यहाँ पे विश्वास नहीं करता, इसीलिए वो अपनी आइडल और अपनी ड्रीम गर्ल जिसकी पोर्ट्रेट उसने अपने रूम में लगा रखी होती है इसके बारे में वो बताता है, जिसके बारे में वो बताता है कि ये हमारे इस कॉन्टिनेंट की सबसे कमान की लड़की है, जो कि यहाँ पे सभी लड़कों के दिल की तमन्ना है, जो कि यहाँ पे सभी की आइडल है, इसका नाम शुई है, तो क्या आप मेरी इस ड्रीम गर्ल का रूप ले सकते हो। अब यहाँ देखते ही देखते एल्डर शुई के रूप में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं और अपने अदाओं से यहाँ पे फैंग को रिझाने लगते हैं, लेकिन उनकी आवाज बिल्कुल पुराने ओल्ड मैन की तरह ही होती है। अब उसकी ओल्ड मैन जैसी आवाज सुन के ही यहाँ फैंग को क्रिंच मचने लगता है और वो वापस से एल्डर को अपने रूप में आने को कहते हैं। अब एल्डर के ये बताते ही कि वो रूप तो धारण कर सकते हैं लेकिन वो वॉइस का कुछ नहीं कर सकते, वो वॉइस उनकी पहली जैसी ही रहेगी। ये सुनते ही फैंग को यहाँ गुस्सा चढ़ जाता है और वो प्राचीन पॉट को उठाता है और उसे एक यूरिनल पॉट बना देता है, मीन्स कि अब वो उसमें मूत्र विसर्जन करने वाला होता है। जिसपे एल्डर घबराते हुए उसे रोकता है और उसे बताता है कि वो एक ऐसे प्राइसलेस मैजिक को जानता है जिसका यूज करके वो प्राइसलेस ट्रेजर्स बना सकता है, और जबकि वो एक वेपन स्प्रिट है तो अपने इसी मैजिक का यूज करके वो कई सारे वेपन्स को रिफाइन कर सकता है। अब इस बात ने फैंग के मन में काफी इंटरेस्ट पैदा कर दी होती है, इसीलिए वो एल्डर से इसके बारे में पूछने लगता है। एल्डर उसे बताते हैं कि उसके इस सिंगल हेड में दुनिया भर की नॉलेज और एक्सपीरियंस छुपा हुआ है और अपने इसी अल्केमी ज्ञान का यूज करके वो किसी भी तरह के टैलिस्मान को ड्रॉ कर सकते हैं और मैजिक वेपन्स का निर्माण कर सकते हैं, और अगर फैंग चाहे तो वो ये कला उसे भी सिखा सकते हैं, लेकिन इसे सीखने में उसे सब्र रखना है और जल्दी नहीं करनी है क्योंकि इस कला को सीखने में 10 से भी ज्यादा दिन लग सकते हैं। अब फैंग को इसकी बात पे विश्वास नहीं होता है, इसलिए वो उसे प्रूफ करने को कहता है। इस पे एल्डर उसे इशारे से अपने सामने बुलाते हैं और उसी की ट्रिक जो उसने वीही के सामने आजमाया था उसके सामने धूल लाते हैं और वो उसकी आंखों में झोंक देते हैं। अब ये मजाक तो उतना भी ज्यादा फनी नहीं होता, लेकिन फिर भी एल्डर यहाँ पे दहाड़े मार मार के हंसते हैं। अब यहाँ सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि एल्डर जो होते हैं वो फैंग को तलिस्मान ड्रॉ करने की कला सिखा रहे होते हैं, जिसे फैंग काफी मेहनत से प्रैक्टिस कर रहा होता है। लेकिन कुछ ही देर की ड्राइंग के बाद जब एल्डर को लगता है कि यहाँ कुछ बड़ा होने वाला है, इसलिए वो अपने पॉट में जाके छुप जाते हैं। देखते ही देखते कुछ गलती के कारण वो जो तलिस्मान होता है वो एक्सप्लोड हो जाता है और यहाँ फैंग समेत उसका पूरा घर ही ब्लास्ट हो जाता है। और यहाँ फैंग उस एल्डर को ही कोस रहा होता है कि बुड्ढे ने मुझे चूना लगा दिया। आगे फैंग उसे गुस्से से बाहर निकलने को कहते हैं और एक्सप्लेन करने को कहते हैं कि आखिर ये तलिस्मान अचानक से एक्सप्लोड क्यों हो गया। जिस पे एल्डर उसे पूछते हैं क्या तुमने कभी पहले तलिस्मान को ड्रॉ किया है, तो यहाँ पे फैंग उन्हें ना में जवाब देता है। तो आगे एल्डर बताना शुरू करते हैं कि तुमने अभी अभी एक ऐसा तलिस्मान ड्रॉ किया था जो काफी अच्छे से वर्क कर रहा था, लेकिन तुमने उसमें कुछ पैटर्न्स को अच्छे से फिक्स नहीं किया इसीलिए वो एक्सप्लोड हो गए। आगे वो उसे कहते हैं कि अच्छा हुआ तुम पहले से तलिस्मान को ड्रॉ करना नहीं जानते थे, वरना एक ऐसा एक्सप्लोजन होता जिसमें तुम्हारी मौत हो जाती। अब आगे एल्डर उसकी गलती को सुधारते हुए यहाँ समझाना शुरू करते हैं कि सिल्वर कैंडल ग्रास, फायर टेल फ्लावर और फायर स्कॉर्पियन ब्लड, ये तीनों चीजें अगर बिना इविल स्प्रिट के एक साथ रखी गई तो एक्सप्लोजन काफी बड़ा हो सकता है, इसीलिए तुम्हें ध्यान रखना होगा कि अब मैं जो तलिस्मान तुम्हें दिखा रहा हूँ इसकी रेसिपी तुमने अच्छे से जान लेनी है, इसके सिंबल्स और पैटर्न को पहचान लेना है ताकि अगली बार तुम इन तीनों पैटर्न्स को साथ में ना रख सको। आगे वो उससे बताते हैं कि तुम्हें धीरे धीरे इस कला को सीखनी होगी क्योंकि तुम मेरे जैसे एक सीरियस और महान तलिस्मान मेकर से सीख रहे हो, तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम 10 दिनों का काम एक ही दिन में कंप्लीट कर लोगे? ये इतना आसान नहीं है कि एक मोटे फैट आदमी को एक ही निवाले में गप कर लो, इसे सीखने में लगभग 10 से भी ज्यादा दिन या पूरा महीना भी लग सकता है।
अब आगे हम फैंग को देखते हैं जो कि उस तलिस्मान के सिंबल्स को काफी गहराई से देख रहा होता है और यहाँ पे अपने ही ख्याली पुलाव में मगन हो जाता है कि अगर वो इस हाई ग्रेड के तलिस्मान को बनाना सीख गया, अगर इसे जाकर के वो बाजार में बिक्री करे तो इसके एक्सचेंज में उसे कई सारे स्प्रिट स्टोन्स मिल सकते हैं जिसका यूज करके वो काफी ज्यादा अमीर हो जाएगा और अपने सपनों की रानी शूवी से उसकी फिर शादी हो जाएगी। और अगर वो इसकी प्रैक्टिस से एक महान तलिस्मान मेकर रिफाइन करने वाला बन गया तो फिर ये उसके लिए सोने की मुर्गी जैसा काम करेगी जो उसके लिए रोज सोने के अंडे देगी। अब एल्डर उसे एक जोरदार लात मार करके उसे इस सपने की दुनिया से बाहर निकालते हैं। अब आगे हम फैंग को देखते हैं जो टूटे हुए तलिस्मान को टुकड़े को उठाता है और फिर से उन्हें रिफाइन करने की प्रक्रिया में लग जाता है क्योंकि उसे कई ज्यादा पैसे जो अर्न करने हैं, इसीलिए वो अपनी जी तोड़ मेहनत में लग जाता है। अब यहाँ तलिस्मान को बनाते बनाते रात हो जाती है जिसपे एल्डर उसे कहते हैं कि अगर तुम्हारा तलिस्मान बन जाए तो मुझे उठा देना क्योंकि मुझे अभी नींद आ रही है, और वो आराम करने के लिए अपने हुजरे में चले जाते हैं। आगे हम फैंग को देखते हैं जो उस तलिस्मान को रिफाइन करने के लिए पूरी रात लगा देता है। यहाँ बार बार उसे एक्सप्लोजन का सामना करना होता है लेकिन उसे बचने के लिए वो एक हेलमेट भी धारी कर लेता है। अब इसी के साथ यहाँ सीन चेंज होता है और हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसके पास वी आती है और वो अपनी सीनियर सिस्टर को उसके साथ हुए फ्रॉड के बारे में विस्तार से बताने लगती है जिसपे उसकी सीनियर सिस्टर उस पर गुस्सा होते हुए कहती है कि तुम्हें तो मैंने तलिस्मान मेकिंग की क्लास में भेजा था तो आखिर तुम उन माउंटेन के वाली एरिया में क्यों गई थी शिकार करने के लिए। अब यहाँ पे वी ही की तो चोरी पकड़ी जाती है लेकिन वो किसी भी तरह से अपनी सीनियर सिस्टर को मना लेती है ये कहते हुए कि अगर वो एक बार डिवाइन सी रिल्म के फोर्थ लेवल पे पहुंच गई तो फिर वो आइंदा से कभी भी एल्केमी क्लास को मिस नहीं करेगी। जिस पे उसके सीनियर सिस्टर आगे की इस तरह के शिकार पे जाने के लिए उसे मना करती है ताकि वो हमेशा सेफ रहे। लेकिन यहाँ वे ही रिवेंज की आग में जल रही होती है, यहाँ वो अपनी सीनियर सिस्टर से कहती है जब तक वो उस कमीने बंदे से बदला नहीं ले लेती यहाँ चैन से नहीं बैठेगी और उसके साथ हिसाब बराबर करके रहेगी। ये उसी फैंग के बारे में बात कर रही है जिसपे सीनियर सिस्टर उससे कहती है कि हमारी माँ ने जाने से पहले मुझे तुम्हारी जिम्मेदारी सौंपी थी इसीलिए उनके आने तक मैं तुम्हें अलाउ नहीं करूंगी कि तुम किसी भी तरह के मॉन्स्टर हंटिंग की ट्रिप पे जाओ और बस एक महीने के बाद है उसके बाद उसके सारे रिस्ट्रिक्शन हटा दिए जाएंगे फिर वो मॉन्स्टर से लड़के एक्सपीरियंस गेन कर सकती है। और इनकी प्यार भरी बॉन्डिंग के साथ ही ये एपिसोड यहीं पे फिनिश होता है। सो आगे के एपिसोड में हम जानेंगे कि आखिरकार फैंग ने उन तलिस्मान्स को रिफाइन किया है कि नहीं और उसका जो सपना है कि उन तलिस्मान को बेचकर वो ढेर सारे स्पिरिट स्टोन्स कमाए तो आखिर ये पूरा होता है कि नहीं और आगे एल्डर उसे कौन सी जर्नी बताएंगे जिसपे जाने के लिए वो एल्डर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करेगा। ये सभी कुछ जानने के लिए बने रहिए हमारे इस चैनल के साथ और आपको कमेंट में ये जरूर बताना है कि आपको ये नई सीरीज कैसी लगी है। जरा भी ये एपिसोड पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक जरूर कर दें क्योंकि आपके लाइक्स ही हैं जो हमारी मोटिवेशन का सोर्स है। अब नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है और हम देखते हैं तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि यंग बॉय को एक ऐसा प्राचीन पॉट मिलता है जिसके अंदर से एक वेपन स्प्रिट बाहर निकलता है और वो आत्मा उसकी कल्टीवेशन में मदद करेगी ताकि वो एक ऐसी ट्रेजर हंट की जर्नी पे निकल जाए जहाँ की रोचक कहानियाँ आपको एंटरटेन करें। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि किस तरह से स्पिरिट एल्डर ने यहाँ पे फैंग की मदद की होती है उसे ये सिखाने में कि तलिस्मान को किस तरह से ड्रॉ किया जाता है ताकि वो एक तरह से वेपन को रिफाइन कर सके। यहाँ पे जीत और मेहनत करने के बाद आखिरकार जो फैंग होता है वो उस तलिस्मान को ड्रॉ कर लेता है जिसे देखते ही सेक्ट एल्डर को ये विश्वास नहीं होता कि फैंग ने इससे पहले कभी भी वेपन को रिफाइन नहीं किया है क्योंकि एल्डर को किसी भी पहलू से उस तलिस्मान में एक भी गलती नहीं नजर आ रही थी। जिसपे एल्डर को ये लगता है कि हो सकता है कि फैंग के जो माता पिता होंगे वो एक वीवन रिफाइनर रहे होंगे या तलिस्मान मेकर होंगे। जिसपे फैंग उन्हें बताता है कि इसके बारे में उसे कोई आइडिया नहीं है क्योंकि 13 साल की जब उसकी उम्र थी तो उसके माता पिता मॉन्स्टर को हंट करने के लिए एक घने जंगल में गए थे, तब से वो आज तक वापस नहीं आए हैं और अपनी विरासत में उन्होंने सिर्फ मेरे लिए इस जिंजुई को छोड़ा है। अब यहाँ जिंजुई का नाम सुनते ही एल्डर उसे कहता है कि इसीलिए तुम इतने कंफ्यूज्ड हो और अपनी कल्टीवेशन के इतने लोएस्ट लेवल पे हो। अब ये सुनते ही फैंग को यहाँ गुस्सा आता है और फिर से वो उस एल्डर के पॉट को लेते ही उसे कहता है कि मैं अभी के अभी इस पॉट को अपना मूत्र विसर्जन पॉट बना दूंगा। जिसपे एल्डर ये कहते हुए कि आजकल के यंग पीपल से डील करना काफी मुश्किल है, यहाँ पे वो फैंग के साथ एक डील करते हैं कि अगर फैंग को वो कल्टीवेट करने की प्रैक्टिस में मदद करेगा और उसे अपनी कल्टीवेशन में उसके गोल्डन एक्लिजर रेल्म तक पहुंचा देगा, साथ ही वो उसकी ड्रीम गर्ल श्रीलिंगर को भी पाने में उसकी मदद करेगा तो इसके बदले में एल्डर को बस ये चाहिए कि फैंग उसके बॉडीज को वापस से रिशेप करने में मदद करे, मतलब कि एल्डर के स्पिरिट को एक नई बॉडी की तलाश होती है। आगे वो फिर से सुई का रूप धारण करते हुए यहाँ पे फैंग को लेवल्स के बारे में बताने लगता है कि अगर वो पहले स्टेज यानी कि 5 कलर स्टोन, दूसरे मून जेली ग्रास और तीसरे गोल्डन कुकम्बर के स्टेजेस को पार करता है
तो वो गोल्डन इक्लिजर के थर्ड लेवल पे पहुंच जाएगा। और इस लेवल तक जो भी कल्टीवेटर पहुंचता है वो किसी भी स्पिरिट को एक बॉडी रिफाइन करके दे सकता है। अब यहाँ दूसरी तरफ हम फैंग को देखते हैं जो कि अपने स्वप्न सुंदरी के मुंह से एक बुढ़े आदमी की आवाज निकलता देख उसे डिस्गस्ट फीलिंग हो रहा था और वो जल्द ही उस एल्डर को रोकने के लिए उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है। अब यहाँ उनके बीच जैसे ही डील तय होती है कि स्पिरिचुअल एनर्जी हम आसमान में जाता हुआ देखते हैं और वापस एल्डर अपने रूप में आते ही यहाँ साथ में काम करना शुरू कर देते हैं। अब हमें यहाँ दूसरी तरफ उसी लड़की को दिखाया जाता है जो कि वीही की सीनियर सिस्टर होती है और यहाँ वो ये सोच रही होती है कि अच्छा है कि अभी वीही उसके साथ नहीं है, वरना अगर वो उसके साथ रहती तो उसका दिमाग खा जाती ये कहते हुए उसे प्रैक्टिस करने के लिए वापस से उस माउंटेन में फिर से जाना है। ये तभी यहाँ फिर से चेंज होता है और हमें वापस से फैंग और एल्डर को दिखाया जाता है। इन्हें देख के हमें लगता है कि वो यहाँ धमाकेदार फाइटिंग की प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन यहाँ वो हम सभी की उम्मीदों पर पानी फेरते हुए रॉक पेपर सीजर का गेम खेलने लगते हैं और इस गेम के पहले राउंड में ही यहाँ फैंग हार जाता है। लेकिन यहाँ फैंग एल्डर को ये पट्टी पढ़ाते हुए कहता है कि वो ही जीता है क्योंकि एल्डर पुराने जमाने से आए हैं और काफी आउटडेटेड हो चुके हैं, इसीलिए उनको इस गेम के नए रूल्स के बारे में पता नहीं है। और नए रूल के हिसाब से इस गेम में सबसे ज्यादा पावरफुल पेपर को माना जाता है, ना कि सीजर को। जिसपे एल्डर उसे पूछते हैं तो फिर स्टोन का क्या होता है, तो यहाँ पे फैंग उन्हें भी उल्टी पट्टी पढ़ाने लगता है कि जो स्टोन्स होते हैं वो स्पिरिचुअल स्टोन्स का काम करते हैं और सीजर जो है वो मैजिकल वेपन की तरह काम करते हैं और मैजिकल वेपन तो स्पिरिचुअल स्टोन्स को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, इसीलिए इन दोनों में सबसे ज्यादा पावरफुल पेपर यानी कि क्लोथ हुआ, इसीलिए मैं जीत गया हूँ इस गेम को। इस पे एल्डर यहाँ पे फूट फूट के रोने लगते हैं ये कहते हुए कि मैं इतने सालों से प्रैक्टिस कर रहा हूँ तो आखिर मैं इस गेम में कैसे हार गया। अब यहाँ फैंग उनसे कहता है कि यहाँ रोने से कुछ नहीं होगा, शर्त मुताबिक आपको मुझे प्रीशियस इक्लिजर बनाने के रेसिपीज को सिखाना होगा। जिस पे एल्डर उसे कहते हैं कि सबसे पहले मुझे फायर स्कॉर्पियन का ब्लड लाकर दो तभी मैं तुम्हारे लिए कुछ करूंगा। इस पे वो दोनों तय करते हैं कि वो किसी एंशिएंट केव के अंदर जाएंगे। जिस पे एल्डर उसे कहते हैं कि तुम इस तरह से उस एंशिएंट केव में नहीं जा सकते क्योंकि तुम्हारी कल्टीवेशन का जो लेवल है इससे यही साबित होता है कि अगर तुम्हारे पास दो तीन भी मामूली से मैजिकल वेपन भी रहे और उसे चुराने के लिए अगर तुम पे कोई अटैक करता है तो तुम्हारी जिस कल्टीवेशन के लेवल है इसे तुम वापस से उन पे अटैक नहीं कर पाओगे, ना ही तुम अपने आप को बचा सकते हो। और तुम्हें उस जगह पे पहुंचने के लिए एटलीस्ट फोर्थ लेवल ऑफ डिवाइन रिल्म को पार करना होगा। जिस पे यहाँ निराश होते हुए फैंग उसे कहता है कि मेरी कल्टीवेशन के जो स्पीड है उस लेवल तक पहुंचने के लिए मुझे लगता है कि एक साल लग जाएगा। जिस पे एल्डर उसे ये कहते हुए मोटिवेट करते हैं कि तुम पहले स्लो प्रैक्टिस किया करते थे लेकिन अब की बार मैं तुम्हारे पास हूँ और मैं तुम्हें गाइड करूंगा, और जबकि मेरे जैसा महान तिलिस्मान मेकर तुम्हें सिखा रहा है जिसके पास तुम्हें प्रैक्टिस करवाने के लिए रेडीमेड ट्रेनिंग प्लान है, तुम्हें बस ये करना है कि अभी के लिए इस तरह के ढेर सारे फायरबॉल तिलिस्मान्स बना लो जिसके बाद तुम इन्हें मार्केट में अच्छी प्राइस पे सेल कर सकते हो। लेकिन यहाँ फैंग एल्डर के इस प्लान पे सहमत नहीं होता क्योंकि स्कॉर्पियन ब्लड पाना काफी ज्यादा रेयर और एक्सपेंसिव हो सकता है और फैंग इसमें अपना वक्त जाया नहीं करना चाहता था। लेकिन एल्डर के ये कहते ही कि एक बार स्कॉर्पियन ब्लड हाथ लग जाए फिर तुम अपनी कल्टीवेशन की स्पीड काफी ज्यादा इंक्रीज कर सकते हो। आगे एल्डर फैंग को एक ऐसी जगह पता बताता है जहां वो उन सारी चीजों को खरीद सकता है जिससे वो स्कॉर्पियंस अट्रैक्ट हो सके। अब अगले सीन में हम फैंग को उसी मार्केट की तरफ जाता देखते हैं। अब एल्डर के कहे मुताबिक वो उसी पैवेलियन ट्रेजर में जाता है जहां पे वो उसी चीजों को मांगता है जिससे वो स्कॉर्पियंस अट्रैक्ट हो सके, लेकिन जिन इंग्रेडिएंट्स के उनने मांग की थी वो काफी एक्सपेंसिव होते हैं, इसलिए वो जो सेलर होता है वो फैंग से पूछता है, जिसपे वो सेलर उससे कहने लगता है कि रातों रात क्या तुम्हें कोई खजाना हाथ लगा है जिससे तुम इतनी महंगी महंगी चीजें यहाँ पे खरीदने के लिए आए हो। जिसके जवाब में फैंग उन्हीं तिलिस्मान्स को दिखाता है जो कि उसने रात भर प्रैक्टिस करके बनाई हैं। अब यहाँ सेलर को लगता है कि वो तिलिस्मान फेक्स है, इसीलिए वो उन तिलिस्मान को लेने से मना कर देता है, जिसपे फैंग के ये कहते हैं कि जब तक आप इसे इस्तेमाल नहीं करेंगे इसकी काबिलियत का आपको पता नहीं चलेगा। वो लोग एक प्रैक्टिस रूम में जाते हैं जहाँ कई सारे स्टैचूज रखे होते हैं। फैंग अब उन्हीं तिलिस्मान्स के जरिए उन स्टैचू पे अटैक करता है और एक ही तिलिस्मान के अटैक से हम देखते हैं कि वो सारे स्टैचूज वहाँ रेजा रेजा हो जाते हैं। अब आगे इस अचंभित नजारे को देखते ही सेलर उससे इम्प्रेस हो जाता है और यहाँ फैंग से डील तय कर बैठता है। अब आगे हम सेलर को देखते हैं जो कि अब फैंग को कुछ ज्यादा ही मस्का लगा रहा होता है और उससे पूछता है कि तुम अगली बार यहाँ खरीदारी करने कब आ रहे हो, जिसपे फैंग उसे ये पूछते ही कि उसे टाइगर ग्रास कहाँ मिल सकते हैं, वहाँ से चला जाता है। अब आगे उसी ट्रेजर पैवेलियन में वहाँ पे वी ही आती है जो कि उसी सेलर से पूछती है कि यहाँ पर एक अकड़ सा बंदा आया था और वो कहाँ गया है इसके बारे में वो उसका पता पूछती है, जिसपे वो सेलर उसे बताता है कि वो कहाँ गया है इसके बारे में तो उसे नहीं पता, लेकिन उस बंदे ने उसे हाई क्वालिटी के विंड टेलिस्मान्स बेचे हैं, साथ ही वो उसे टाइगर ग्रास के बारे में पूछ रहा था। अब इतनी जानकारी लेने के बाद वी ही भी वहां से निकल जाती है फैंग को ढूंढने के लिए।
अब अगले सीन में हमें यहाँ फैंग और एल्डर को दिखाया जाता है जो उन्हें सारी सामग्रियों का इस्तेमाल कर रहे थे ताकि वो स्कॉर्पियंस को अट्रैक्ट कर सके। यहाँ एल्डर फैंग को कंजूस कहते हुए डांट रहे होते हैं क्योंकि फैंग ने काफी कम टाइगर ग्रास लाए होते हैं, जिसमें फैंग एल्डर से पूछ रहा होता है कि स्कॉर्पियंस तो कार्निवोरस होते हैं तो आखिर वो इस जैसे मामूली घास फूस से कैसे अट्रैक्ट हो सकते हैं। आगे कई सारे वो टाइगर ग्रास जलाने के बावजूद भी वहाँ पे एक भी स्कॉर्पियन नजर नहीं आता, जिसपे फैंग सोचने लगता है कि कहीं उस सिलर ने उसे ठग तो नहीं दिया और कोई फेक सामग्री तो नहीं दे दी है जिसका असर नहीं हो रहा है। कि तभी एल्डर स्कॉर्पियंस के खासियतों को बताने लगते हैं कि वो कैसे होते हैं और क्या खाना पसंद करते हैं, साथ ही उनका जो मीट होता है वो काफी फ्रेग्रेंस होता है। कि अचानक से हम तभी देखते हैं कि एक स्कॉर्पियन उसी जलती हुई आग की तरफ तेजी से बढ़ रहा होता है, जिसे देखते ही ये लोग छुप जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो आग के पास स्कॉर्पियन आगे बढ़ता है, ये लोग उस पे अटैक करते हैं और उसे मार गिराते हैं। लेकिन हम तभी देखते हैं कि जैसे ही एक स्कॉर्पियन वहाँ पे मारा जाता है, वहाँ पे कई सारे तादाद में और भी ज्यादा स्कॉर्पियंस आ जाते हैं और इसी के साथ गाइज वो पूरी जगह स्कॉर्पियन से भर जाती है। और यहीं पे हमारे इस एपिसोड का एंड होता है। नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है और हम देखते हैं कि फैंग जो होता है वो एक एंशिएंट केव पहुंचता है एल्डर के साथ ताकि वो बहुत सारे स्कॉर्पियंस को अट्रैक्ट कर सके। लेकिन उस टाइगर ग्रास से एक नहीं, वहाँ पे कई सारे स्कॉर्पियंस इकट्ठा हो जाते हैं। अब आगे यहीं से एपिसोड की शुरुआत होती है जहाँ हम देखते हैं कि फैंग अपनी पावर्स यूज करते हुए उन सभी स्कॉर्पियंस को मार रहा होता है। लेकिन तभी एकाएक एक स्कॉर्पियन उसके शरीर पर चढ़ने लगता है और फैंग उस स्कॉर्पियन समेत वहाँ पे जितने भी स्कॉर्पियंस होते हैं उन सभी को मार डालता है। यहाँ वो काफी खुश होता है कि अब उसके पास ढेर सारा स्कॉर्पियन ब्लड होगा जिससे वो अमीर बन जाएगा। लेकिन एकाएक हम वहाँ देखते हैं कि जितने स्कॉर्पियंस मारे गए थे अब उनसे दुगनी संख्या में और भी ज्यादा स्कॉर्पियंस वहाँ पे इकट्ठा हो चुके थे। अब इसी टाइम पे यहाँ सीन चेंज होता है और अगले सीन में हम वीही को देखते हैं जो कि फैंग का पीछा करते हुए उसी जंगल में आ पहुंची थी। यहाँ पे वो उसे ढूंढते हुए काफी थक चुकी होती है और उसे मन ही मन काफी बुरा भला कोसने लगती है। लेकिन तभी उसका रास्ता एक अनजान आदमी रोकता है जहाँ वीही उससे पूछती है कि आखिर तुम कौन हो। और इसी के साथ ये सीन यहीं पे कट होता है। अब अगले सीन में हम वापस से फैंग को देखते हैं जो कि उन स्कॉर्पियंस को देखते हुए उसकी खटिया खड़ी हो चुकी थी और वो उस ओल्ड मैन पे ही झड़कने लगता है कि तुम्हारा दिमाग सच में घुटनों में है और कई सौ साल से तुम उस जार में सोते आ रहे हो, इसलिए उसने काम करना बंद कर दिया है। इसलिए तुमने मुझे इतना खतरे वाला आइडिया दिया और अगर इन स्कॉर्पियंस में से किसी के ऊपर भी मैंने पैर रख दिया और उन्हें गुस्सा दिला दिया तो हम दोनों मिलकर भी इन सभी को हैंडल नहीं कर पाएंगे और ये हमें यहाँ से जिंदा जाने नहीं देंगे। जिसपे एल्डर उसे कहता है कि वेल्थ पाने के लिए इतना डेंजर तो उठाना ही पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे फैंग अपनी लाइफ को ज्यादा कीमती समझता है और उन स्कॉर्पियन से बचने के लिए दबे पांव वहाँ से निकलने की कोशिश करता है। लेकिन तभी वो गलती से स्कॉर्पियन पे पांव रख डालता है और उसे सॉरी ब्रदर कहती है। जैसे वो आगे बढ़ता है तो फिर वो दूसरी दफा भी एक दूसरे स्कॉर्पियन पे पीछे से पांव रख देता है। इससे सारे स्कॉर्पियंस आक्रामक हो जाते हैं और वो फैंग की तरफ बढ़ने लगते हैं। अब उन सभी से बचने के लिए यहाँ फैंग विंड ब्लेड तलिस्मान का यूज करता है, लेकिन वो जितने स्कॉर्पियंस को मार रहा था वो उतनी ही ज्यादा तेजी से बढ़ते ही जा रहे थे। कि तभी यहाँ पे फैंग को एक आइडिया सूझता है कि अगर वो वहाँ पे पड़े हुए टाइगर ग्रास को, जो कि बहुत ज्यादा एक्सप्लोजिव होते हैं, उस पे अटैक करे तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो सकता है और इस ब्लास्ट में ये सारे स्कॉर्पियंस मारे जाएंगे। लेकिन तभी एल्डर उसे ये आगाह करते हैं, क्या तुम पागल हो, क्योंकि अगर वो एक्सप्लोजन हुआ तो उस एक्सप्लोजन में तुम भी मारे जाओगे। जिसपे फैंग ये कहते हुए कि इन स्कॉर्पियंस के हाथों मरने से अच्छा है कि मैं उस ब्लास्ट में ही मारा जाऊं, सो मैं अपनी लाइफ को बचाने के लिए ये जरूर करूंगा। अब आगे हम फैंग को वही अर्थ शील्ड वाला बैच निकालता देखते हैं जिसका यूज करते हुए वो अपने आगे एक शील्ड क्रिएट कर देता है और फिर उस फायर सलिस्मान को तेजी से उस टाइगर ग्रास की तरफ फेंक देता है, जिससे वहाँ पे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और उस ब्लास्ट में तो सारे स्कॉर्पियंस मारे जाते हैं। लेकिन जो फैंग का शील्ड होता है उसमें भी अब क्रैक्स आ चुके थे और वो भी टूटता है। और उस टुकड़े के टूटने के कारण हम देखते हैं कि फैंग के पास जो पॉट होता है वो पॉट सीधा उस ब्लास्ट में ही जा गिरता है, जिसके कारण उसके अंदर छुपे एल्डर को वहाँ पे चोट लग जाती है। और जब फैंग एल्डर के पास पहुंचता है तो उनकी अधमरी हालत हो चुकी होती है। यहाँ वो उससे कह रहे होते हैं कि मुझे जल्द से जल्द बचा लो क्योंकि मैं मरना नहीं चाहता। जिसमें फैंग उनसे कहता है कि आप एक स्पिरिट हो तो आप कैसे मर सकते हो। आगे एल्डर यहाँ फैंग को उस स्कॉर्पियन के ब्लड को यूज करने के लिए कहते हैं, जिसपे फैंग उनमें से एक स्कॉर्पियन को उठाते हुए उसके ब्लड को यहाँ पे एल्डर के ऊपर ही डालने लगता है। तो एल्डर उसे कहते हैं कि इसे मुझ पे नहीं बल्कि इस पॉट में डाल दो। आगे जैसे ही मॉन्स्टर ब्लड जार में जाने लगता है, एल्डर की हालत पहले से बेहतर हो जाती है। अब यहाँ पे सीन चेंज होता है और हम वापस से फैंग को अपनी कुटिया में देखते हैं जिसने उन सारे स्कॉर्पियन ब्लड का यूज करके वहाँ पे ढेर सारे तलिस्मान बना लिए होते हैं और उनको गिन रहा होता है।
जिस पे एल्डर उसके बार बार इस तरह की गिनती करने से खींच जाते हैं और उसे पूछते हैं कि तुम इसे बार बार क्यों गिन रहे हो, गिनने से क्या ये और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। जिस पे फैंग अब उनसे कहता है कि अब जबकि मैंने ये तलिस्मान्स बना लिए हैं तो मैं इन्हें जाकर के मार्केट में एक्सचेंज करूंगा, जिसके बदले में मुझे कई सारे स्पिरिचुअल स्टोन्स यानी कि पैसे हासिल होंगे। जिस पे एल्डर उसे आगा कहते हैं कि अगर तुम डायरेक्टली इसे जाकर के सेल करोगे तो सभी लोगों को तुम पे शक हो जाएगा कि आखिरकार तुमने इतने सारे तलिस्मान्स कहाँ से इकट्ठा किए हैं, क्योंकि इस लिंगो सिटी में बहुत कम ऐसे लोग हैं जो कि तलिस्मान्स को रिफाइन कर सकते हैं, और अगर उन्हें तुम्हारा पता चला तो तुम्हारी जान का भी इसमें खतरा हो सकता है, और साथ ही अगर उन्हें ये पता चल गया तो क्यों तुम नंबर वन क्वालिटी के तलिस्मान मेकर हो तो वो तुम्हें शायद ना भी मारे लेकिन अरेस्ट तो कर ही लेंगे, और उनके द्वारा अरेस्ट किए जाने के बाद तुम्हें जिंदगी भर उनके लिए एक लेबर की तरह काम करना होगा और तलिस्मान्स बनाने होंगे। जिसपे फैंग भी इस बात से सहमत होता है और अभी उनकी इस परेशानी से बचने के लिए उसे एक आइडिया सोचता है। यहाँ वो एल्डर्स कहता है कि तुम्हें बस मेरे इंटेलिजेंस पे भरोसा रखना होगा कि कैसे मैं इस पूरे तलिस्मान वाले बैच को मार्केट में जाके सेल करता हूँ बिना ये किसी को पता लगाए कि इन्हें मैंने रिफाइन किया है। अब उनके इस प्लान के एग्जीक्यूशन के लिए फैंग जंगल में जाता है और यहाँ पे ऐसा दिखावा करने लगता है कि उसे ये तलिस्मान वाला बॉक्स जंगल में कहीं पड़ा मिला, और वो इसे ले करके चीख चीख कर शोर मचाने लगता है कि तभी वहाँ पे लोग इकट्ठा हो जाते हैं और वो लोग उसे उस तलिस्मान के बारे में पूछने लगते हैं। साथ ही वो उन्हें चीख चीख करके बता रहा होता है कि मैं तो अमीर हो गया क्योंकि इतने हाई क्वालिटी के तलिस्मान जो मुझे मिले हैं, और उनको इस बात का विश्वास दिलाने के लिए वो एक तलिस्मान का यूज करके भी देखता है। अब उन लोगों के ये पूछने पर कि उसे ये तलिस्मान कहाँ मिले हैं, फैंग उन्हें नदी किनारे वाली जगह बता देता है कि इस तलिस्मान को उसने वहां से ढूंढा है, और वो लोग भी उसी जगह पे चले जाते हैं उन तलिस्मान को ढूंढने के लिए। इसके बाद फैंग एल्डर से यहाँ पे कहने लगता है कि देखा मेरा दिमाग कितना ज्यादा तेज है, मैंने उन लोगों को किस तरह से चकमा दिया और ये मार्केट में खबर फैला दी है कि मुझे ये तलिस्मान कहीं पे इकट्ठा पड़े मिले हैं। जिसपे यहाँ एल्डर उसे कहने लगते हैं कि इस तरह का बेकार और बेहदा आइडिया मैंने आज तक कभी नहीं देखा, और इस तरह के आइडियाज तो हमारे आउटडेटेड जमाने में भी यूज नहीं किए जाते थे। जिसपे फैंग उनसे कहता है कि तुम्हें मेरे टैलेंट से जलन होती है ना, इसलिए तुम ऐसा कहते हो, और मैंने ये अफवाह जानबूझ के फैलाई है कि मुझे जंगलों में कई सारे तलिस्मान मिले हैं। अब ये अफवाह आग की तरह फैल चुकी है और देखो यहाँ पे कितने सारे लोग इकट्ठा हो चुके हैं उस तलिस्मान को ढूंढने के लिए। आगे वो अपने इसी प्लान पे काम करते हुए उन सारे तलिस्मान को मार्केट में सेल कर देता है, और उसके पास अब ढेर सारे स्पिरिट स्टोन मौजूद थे जिन्हें वो देख करके सोच रहा होता है कि आखिर इतने सारे स्पिरिचुअल स्टोन्स को वो किन पर पहले खर्च करे। जिसपे एल्डर उसे कहता है कि इन स्पिरिचुअल स्टोन्स को तुम्हें वेस्ट नहीं करना है और काफी सोच समझ के इस्तेमाल करना है। अब उन स्पिरिचुअल स्टोन से एक पार्ट निकालते हुए यहाँ फैंग उसे बताता है कि इन सारी रकम को मैं अपनी ड्रीम गर्ल शुई की जो एक्सपेंसिव पोर्ट्रेट रिलीज हुई है उसे खरीदने में लगाऊंगा। अब इसे सुनकर के एल्डर को तो गुस्सा आ रहा होता है कि वो इतनी ज्यादा रकम का इस्तेमाल मात्र एक पोर्ट्रेट खरीदने में लगाएगा। अब फैंग इतने में ही नहीं रुकता, वो आगे कहता है कि वो इसके साथ ही एक लिमिटेड एडिशन वाली स्टैचू डॉल खरीदेगा क्योंकि वो उसका नंबर वन फैन जो है। अब फैंग की इन हरकतों से एल्डर को और भी ज्यादा गुस्सा चढ़ रहा होता है और वो उसे चिल्लाते हुए कह रहे होते हैं कि क्या तुम इन स्पिरिचुअल स्टोन्स का यूज अपने कल्टीवेशन में नहीं कर सकते। आगे वो उसे चिल्लाते हुए कह रहे होते हैं कि तुम्हें डिवाइन सी मिरर कल्टीवेट करना अभी से शुरू करना होगा। और फैंग उन्हें इस तरह से चिल्लाते हुए देख फटाफट से उन स्पिरिचुअल स्टोन्स को अपने अंदर अब्सॉर्व करने लगता है, जिसके कारण हम देखते हैं कि उन स्पिरिचुअल स्टोन्स की जो ग्रीन ऑरा होती है वो सारी के सारी अब्सॉर्व होते हुए फैंग के शरीर में जा पहुंचती है, और इस कल्टीवेशन के प्रैक्टिस में उसे दिन से रात गुजर जाता है और आखिरकार वो डिवाइन सी रियल्म के थर्ड लेवल पे जा पहुंचता है। जिस बेल्डर कहता है कि अभी इतना खुश होने की जरूरत नहीं है क्योंकि अभी तुम काफी ज्यादा वीक हो और अभी भी तुम्हारे लिए इस तरह से खुलेआम तलिस्मान को रिफाइन करके उन्हें सेल करने में काफी ज्यादा रिस्क है। जिसपे फैंग उन्हें बताता है कि बस यही एक वजह है जिसके कारण वो ढेर सारे स्पिरिचुअल स्टोन्स अर्न कर सकता है। जिसपे एल्डर उसे कहते हैं कि तुम्हें इतनी ज्यादा जल्दी नहीं करनी चाहिए और तुम्हें इस अपॉर्चुनिटी को सबसे पहले यूज करना चाहिए कुछ कमीशन द्वारा टास्क को करके। अब आगे उस कमीशन टास्क के लिए एल्डर उसे कुछ मटेरियल्स लाने को कहते हैं। नोरी मटेरियल्स को लाने के लिए जो फैंग होता है वो वापस से उसी पेवेलियन ट्रेजर की तरफ निकल पड़ता है, जहां मार्केट की तरफ जाते हुए चारों तरफ बस यही बात की चर्चा फैली हुई थी कि किसी को बहुत सारा तलिस्मान उन जंगलों के बीच में से पड़ा मिला है और उस बंदे ने 10,000 से भी ज्यादा फायर बॉल्स तलिस्मान वहां से पिक किए हैं। आगे उनमें से एक बंदा वहां पे कहता है कि मैंने भी वहां पे उस जंगल में एक तलिस्मान को उठाया था। आगे उनमें से एक बंदा कंटिन्यू करते हुए कहता है कि अगर मेरे पास इतने तलिस्मान रहते तो मैं उनको बेच करके चुई लिंगर के जैसा एक लाइफ पिलो खरीदता, जो कि यहां की सबसे ज्यादा सुंदर लड़की है,
अब उनको अपनी ड्रीम गर्ल के बारे में ऐसा कहते देख यहाँ फैंग जो होता है उनसे चिढ़ने लगता है, जिस पे एल्डर उसे शांत रहने को कहता है कि इन दोनों की बातों पे ध्यान मत दो। आगे फैंग एक इकट्ठा हुई भीड़ की तरफ बढ़ने लगता है कि तभी रास्ता उसका कोई अनजान व्यक्ति रोकता है और उसे यहाँ पूछता है कि मुझे तुमसे प्राइवेट में कुछ अकेले में बात करनी है। और उसके ये पूछने के साथ ही ये एपिसोड यहीं पे फिनिश होता है। नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है और हम देखते हैं फैंग जो होता है वो अपने द्वारा मारे गए स्कॉर्पियंस के ब्लड का यूज करके बहुत सारे तिलिस्मान्स को रिफाइन कर लेता है और अब आगे वो अपने द्वारा रिफाइन किए गए तिलिस्मानों को मार्केट में बेचने जा रहा होता है ताकि वो ढेर सारे स्पिरिचुअल स्टोन्स कमा सके और उनकी एनर्जी अब्सॉर्ब करके वो एक नए रियल्म में ब्रेक थ्रू कर सके। अब यहीं से एपिसोड की शुरुआत होती है जहां हम देखते हैं कि मार्केट में उसे एक अनजान व्यक्ति ने उसका रास्ता रोका था और इस व्यक्ति का नाम लिन होता है जो कि उसे अकेले में बात करना चाहता था, जिसमें फैंग उसे कहता है कि उसे जो भी बात करनी है वो यहीं डायरेक्टली करे कि तभी लिन उसे बताता है कि वो जिसका इंतजार कर रहा था वे लोग भी आ चुके हैं। यहाँ जब फैंग अपने पीछे दिखता है तो उसे एक हट्टा कट्टा व्यक्ति दिखता है जिसे देख के उसकी जान तो हलक में आ जाती है और वो लिन से कहने लगता है, क्या तुम इसे ला करके मुझे डराना चाहते हो? आगे हम उस लंबे चौड़े पर्सन के पीछे एक क्यूट सी लड़की को देखते हैं। लिन इन दोनों का परिचय देता है जहाँ पे हमें पता चलता है कि ये दोनों जोड़े भाई बहन हैं, जहाँ पे भाई का नाम यीजिंग होता है और उस लड़की का नाम लूसी था। यहाँ लूसी को देख के फैंग उसे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं किसी ब्यूटी को देख के तुम्हारे जाल में ट्रैप हो जाऊंगा? जिस पे लिन उसे अपने आने की वजह बताता है ये कहते हुए कि वो ऐसा ना सोचे और वो किसी सीक्रेट मामले के बारे में बात करना चाहते हैं, इसीलिए वो नहीं चाहते कि यहाँ के आसपास के लोग इसे सुन के अट्रैक्ट हो जाएं, इसीलिए वो अकेले में बात करना चाहता है। इस पे फैंग उसे कहता है कि जो भी बात करनी है इसी वक्त यहीं पे डायरेक्टली करो। अब आगे लिन उसे बताना शुरू करता है कि वो दो दिन पहले लिंग्यू सिटी के उस केव के बाहर थे जहाँ उसने ये डिस्कवर किया है कि वहाँ पे 3 सर वाले आइस स्किल स्पाइडर हैं और इसीलिए मैं तुम्हें इनवाइट करने आया हूँ ताकि तुम मेरी हेल्प कर सको उनकी हंटिंग में। जिस पे फैंग उसे कहता है कि यहाँ पे कई सारे लोग हैं लेकिन तुम्हें मेरी ही हेल्प क्यों चाहिए? जिस पे लिन उसकी तारीफ करते हुए कहता है कि तुम काफी टैलेंटेड और मैजेस्टिक हो, साथ ही जो तुम्हारी कल्टीवेशन लेवल है वो भी हमारी जैसी है, तुम कल्टीवेशन के डिवाइन सी रियल्म में हो और हम तीनों भी उसी रियल्म में हैं, जिससे हम लोगों का साथ में मिलकर हंटिंग करना फायदेमंद साबित होगा। ये जानते हुए फैंग उससे पूछता है तो तुम कल्टीवेशन के लेवल्स को भी देख सकते हो? जिस पर लिन उसे कहता है कि वो इतना भी टैलेंटेड नहीं है, बस प्रैक्टिस करते करते उसे ये कला आ गई है कि वो किसी भी कल्टीवेटर के कल्टीवेशन को देख सकता है। अब इनकी इस तरह की बकवास बातचीत पर वो जो ब्रदर यीजिंग होता है वो पूरी तरह से खिस जाता है और यहाँ पे साफ साफ फैंग से पूछने लगता है कि ये लड़की तुझे चलना है तो चल वरना पतली गली से निकल ले। अब यहाँ पे फैंग अपने मन में कैलकुलेट करने लगता है कि अगर वो इन लोगों के साथ गया तो वो 3 सर वाले आइस स्किल स्पाइडर का अगर उसे कुछ हिस्सा मिल गया तो वो कम से कम एटलीस्ट 100 स्पिरिट स्टोन्स कमा सकता है। कि इतने में ही हम फैंग के शोल्डर पे एल्डर को अपेयर होता देखते हैं जो उन सभी से कहते हैं कि तुम्हें लगता है कि इस जैसा निकम्मा और नालायक उस 3 हेडेड आइस स्किल स्पाइडर को मार पाएगा? अब ये सुनते ही फैंग एल्डर का मुंह बंद करते हुए उन्हें चुप कराने की कोशिश करने लगता है, जिस पे एल्डर उसे कहता है कि वो एक स्पिरिट है और फैंग के अलावा उसे ना कोई देख सकता है और ना ही सुन सकता है। जिस पे लिन उसे पूछता है कि क्या तुम्हारे शोल्डर में दर्द है? या फैंग उसके इस जवाब को टालते हुए कहता है कि वो बस तो यूं ही मक्खियां उड़ा रहा है। अब ये सुनते ही एल्डर खिस जाते हैं कि फैंग ने उन्हें मक्खी कहा है और वहां से वो डिसअपीयर हो जाते हैं। अब आगे फैंग उनसे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं कोई डरफोक हूं जो उस हंटिंग पे जाने से मना कर दूंगा? बस मेरा ये सवाल है कि वो आइस स्किल स्पाइडर जो होते हैं काफी खतरनाक होते हैं, तो क्या हम चारों मिलकर उससे फाइट कर लेंगे? जिस पे लिन उसे कहता है कि तुम इसकी चिंता मत करो, उन्होंने किसी और को भी इनवाइट किया है जिसका नाम नान गुआन है और वो ताइसी रियल्म की काफी ज्यादा मशहूर कल्टीवेटर है और उसे पहले ही हमने उस गुफा के अंदर भेज दिया है इन्वेस्टिगेशन करने को। अब नान गुआन का नाम सुनते ही फैंग की आंखों में तो जैसे तारे टिमकने लगते हैं क्योंकि ये तानशियान सिटी की सबसे मोस्ट ब्यूटीफुल वुमन होती है। आगे वो लिन से कहने लगता है क्या वो सही में नान गुआन ही तुम्हारे साथ चलने वाली है? तो आखिर इतनी बड़ी मशहूर पॉपुलर हस्ती तुम्हारे साथ चलने को कैसे राजी हो गई? अब आगे नान गुआन का जैसे ही वो नाम सुनता है एक सेकंड का भी सोचने का वो टाइम नहीं लगाता और वो कहता है कि जल्दी चलो, हमें हंटिंग के लिए देर हो रही है। अब एल्डर उस पे खींचते हुए कहता है तुम तो ऐसा कर रहे हो जैसे पहले कभी किसी खूबसूरत लड़की को देखा ही नहीं। जिस पे ब्रदर यीजिंग उन सभी से कहता है कि पहले ही तुम्हें उस नान गुआन के बारे में बता देना चाहिए ताकि इसे मनाने में हमें इतनी ज्यादा बकवास की कॉन्वर्सेशन तो नहीं करनी पड़ती, ये झट से राजी हो जाता। अब आगे यहाँ सीन चेंज होता है और वे सभी उसी गुफा की तरफ निकल पड़ते हैं उन स्पाइडर्स की हंटिंग करने के लिए। यहाँ रास्ते में फैंग सभी से कहता है कि अगर हम उस हंटिंग में कामयाब हो गए तो उन स्पाइडर से निकलने वाले जो बीट्स होंगे वो सभी के हिस्से में लगभग 30 ग्राम के बीट्स आएंगे।
लेकिन तुमने अगर नानगुआन को बुलाया है तो वो 30 ग्राम के हिस्से के लिए नहीं मानेगी। जिस पे लिन उसे कहता है कि हम लोग उसे 40 ग्राम देने वाले हैं। जिस पे फैंग उसे कहता है कि 40 ग्राम भी नानगुआन के लिए कम है क्योंकि उसे ज्यादा चार्ज करनी चाहिए। अब इसी बातचीत के दौरान एंडला जो होते हैं फिर से अपेयर होते हैं और वो फैंग से कह रहे होते हैं कि अभी भी मौका है, आगे पछताने से अच्छा है तुम यहीं से कट लो क्योंकि 30 ग्राम तो बहुत ही कम क्वांटिटी है। जिस पे फैंग मन ही मन उसे जवाब देता है कि वो सिर्फ नानगुआन के लिए वहाँ पहुँच रहा है ताकि वो अपनी आइडल से मिल सके और वहाँ जाके उसे पता चलेगा कि उसे क्या करना है क्या नहीं। आगे रास्ते में जाते हुए फैंग उन दोनों भाई बहन से पूछता है, क्या तुम लोग सच में सिबलिंग्स हो, यानी कि भाई बहन हो, क्योंकि देखने से तुम दोनों सिमिलर नहीं लगते। जिस पे लूसी उसे कहती है कि ऑल्दो हम लोग सिमिलर नहीं दिखते लेकिन मेरा भाई मेरी माँ की तरह ख्याल रखता है। अब आगे वे लोग उसी गुफा के बाहर पहुँच जाते हैं जहाँ जाते ही फैंग का पहला सवाल होता है कि मुझे नानगुआन तो कहीं दिख नहीं रही। कितने में उस गुफा के अंदर से एक तेज फायर बॉल निकलता हुआ दिखता है जो कि सीधा अटैक फैंग पे ही करता है, लेकिन वक्त रहते ही फैंग उसके अटैक को आसानी से डॉज करता है। अब यहाँ पे फायर बॉल नानगुआन ही होती है जो कि अपने असली रूप में अपेयर होती है और वो उन सभी से कहती है कि तो तुम इस लड़के को लाए हो अपनी मदद करने के लिए और ये मेरे द्वारा दिए गए टेस्ट में पास कर चुका है क्योंकि ये काफी फुर्तीला और एक्टिव है। अब आगे हम फैंग को देखते हैं जो कि नानगुआन को घूरने लगता है और उसे कहने लगता है कि वो उसका सबसे बड़ा फैन है। अब आगे लिन उन सभी को गुफा के अंदर जाने का रास्ता दिखाता है और लीड करते हुए अंदर जाता है। अब यहाँ पे फैंग नानगुआन को चलते हुए देख रहा होता है कि तभी एल्डर अपेयर होते हैं और वो नानगुआन के उस रेयर वेपन को देखने लगते हैं। आगे वो बताते हैं कि इस लड़की की स्ट्रेंथ तो एटलीस्ट 4 लेवल पे जरूर होगी और अगर ये तुमसे इम्प्रेस हो जाती है ना तो इसके वेपन को तुम उससे ले लेना ताकि इसके वेपन से हम अच्छे खासे पैसे कमा सके। अब आगे गुफा के अंदर जाते ही फैंग को एक्सट्रीमली कोल्ड महसूस होने लगती है जिसमें नानगुआन उसे एक फ्लावर की तरफ इशारा करते हुए बताती है कि कोल्डनेस यहाँ तो लगेगी ही क्योंकि ये वो आइस मिस्ट फ्लावर से रिलीज हो रही है और ये आइस फॉग फ्रूट जो है वो इसी तरह के ठंडे माहौल में ग्रो करते हैं और जहाँ पे ये फ्रूट होता है वहीं पे वो स्पाइडर बीस्ट पाए जाते हैं। अब जैसे ही वे लोग उस स्पाइडर बीस्ट का नाम लेते हैं वहाँ पे एक बीस्ट अपेयर होता है जो सीधा ही फैंग पे अटैक करने के लिए आ बढ़ता है, लेकिन फैंग के हाथों में ही वो अर्थ शील्ड होता है जिसका यूज करके वो उस बीस्ट के अटैक से बच जाता है। अब आगे हम उस स्पाइडर बीस्ट को उसके शील्ड से बचते हुए भागता देखते हैं। अब इस पे नानगुआन अपने वेपन से उस बीस्ट पे अटैक करती है लेकिन वो बीस्ट काफी ज्यादा होशियार रहता है, वो भी उसके अटैक्स को आसानी से डॉज कर लेता है। लेकिन अब आगे देखते देखते वहाँ पे दो और स्पाइडर बीस्ट आ धमकते हैं जिसका सामना करने के लिए ये सभी तैयार होते हैं, लेकिन वो जो बीस्ट है वो फैंग पे ही अटैक कर रहे होते हैं। यहाँ फैंग अपनी सुरक्षा कर रहा होता है उसी और शील्ड का उपयोग करते हुए। आगे हम लिन को देखते हैं जो अपनी पावर का यूज करते हुए उनमें से एक स्पाइडर को इलेक्ट्रिक शॉक देता है और वो वहीं पे मारा जाता है। लेकिन अब दो स्पाइडर और बचे हुए थे जो इन पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं, लेकिन अब फैंग के जो शील्ड होता है उसने काफी ज्यादा पावर कंज्यूम कर ली होती है इसलिए अब उसमें इतनी ज्यादा एनर्जी नहीं बाकी होती कि वो शील्ड को क्रिएट कर सके। जिस पे नानगुआन जो होती है वो इन स्पाइडर्स को मारने के लिए वहाँ पे एक फॉर्मेशन क्रिएट करती है जिससे फायर क्लाउड बन जाता है और उससे लगातार आग के गोले बरस रहे होते हैं उन स्पाइडर बेस्ट के पर। आगे लूसी भी अपने पावर से अटैक करती है जिससे वो स्पाइडर बेस्ट दूर चले जाते हैं और अब आगे यीजिंग भी अपने चौड़े तलवार से उन स्पाइडर्स के ऊपर अटैक करता है, लेकिन उनकी खाल इतनी सख्त होती है कि वो इस अटैक से बच जाते हैं और उनसे दूर चले जाते हैं। कितने में फिर से लिंग अपनी पावर का यूज करता है और एक दूसरे स्पाइडर को बिजली के झटके से मार देता है। अब तीसरा स्पाइडर बचा हुआ होता है जो कि फैंग पे सीधा अटैक करता है, लेकिन फैंग की जो शील्ड होती है वो पूरी तरह से पावर कंज्यूम कर चुकी होती है इसीलिए एक प्रोटेक्टिव लेयर वो नहीं बना पाती। इस पे नानगुआन अपने फायर बॉल को एक्टिवेट करती है और उसकी मदद से उस तीसरे बीस्ट को मार गिराती है। यहाँ फैंग उसकी तरफ देख रहा होता है जैसे वो उसे कुछ कहना चाहता था, लेकिन तभी हम देखते हैं कि नानगुआन पे किसी ने बिजली के झटके से हिट किया होता है जिससे उसे एक शॉक लगता है और वो वहीं पे गिर जाती है। अब ये करने वाला और कोई नहीं बल्कि लिनी होता है। इसे देख करके फैंग के साथ साथ हमें भी झटका लगता है कि आखिर ये अचानक से कैसा ट्विस्ट आया है। अब इससे पहले कि हम ये जान पाते, अब यहाँ पे एपिसोड खत्म होता है और हमें अगले एपिसोड में दिखाया जाता है। हाँ, हमने देखा था कि उस गुफा में जाते ही यहाँ लिन नामक बंदा उनके साथ धोखा करता है और उन सारे स्पाइडर्स को मारने के बाद वो नानगुआन पे ही हमला कर देता है। अब यहीं से एपिसोड की शुरुआत होती है जहाँ पे सारे लोग ये देख करके हैरान रह जाते हैं कि लिंग ने उनके साथ धोखा किया है और यहाँ पे पाए जाने वाला वो सारा का सारा माल खुद ही हड़पना चाहता है, इसीलिए उसने नानगुआन पे हमला किया है। क्योंकि जैसे ही उसकी नियास उस गुफा के एक बड़े से पत्थर पे पड़ती है जहाँ पे एक बहुत बड़ा जेट क्रिस्टल दबा हुआ था, उसकी नियत डगमगा जाती है और वो लालच से भर जाता है और उसे अकेला ही हत्याना चाहता है।
अब उस गुफा में बहुत अंधेरा होता है और उसकी सच्चाई सबको बतलाने के लिए जो फैंग होता है वो ओल्ड मैन से कहता है कि वो एक ल्यूमिनस पर्ल को एक्टिवेट कर दे ताकि वहाँ पे चारों तरफ रोशनी फैल जाए। अब फैंग के वैसे ही करने से यहाँ सभी लोग ये देख करके हैरान रह जाते हैं कि नान गुआन बुरी तरह से जख्मी है और उसे उस धोखेबाज लिन ने ही मारा है। आगे यहाँ लिन सबको सच्चाई बताता है कि नान गुआन डिवाइन सी रिल्म के 5th लेवल पे है, इसलिए उसके मुकाबला करना कठिन होगा और इसी कठिनाई को दूर करने के लिए लिन ने उस पे हमला किया है ताकि वो सारा माल हड़प ले। जिस पे नान गुआन कहती है कि अगर तुम हम में से सभी को भी मार डालोगे तब भी तुम यहाँ से बच के जा नहीं पाओगे क्योंकि हमारे पीछे ताइची है, वो हमारा बदला तुमसे जरूर लेंगे। जिस पे लिन उसे कहता है कि ये ताइची कॉन्टिनेंट काफी बड़ा है जिसमें तुम्हें मारने वाले को ढूंढना ऐसा होगा जैसे एक भूसे में सुई ढूंढने के बराबर होना। अब इतना कहते हुए वो एक जोरदार अटैक फिर से नान गुआन पे करता है जिससे वो गिर जाती है। ये देख के जो ब्रदर यीजिंग होता है यहाँ उस लिन पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और जैसे ही वो अपने शॉट से उस पे अटैक करता है हम देखते हैं कि एक ट्रांसपेरेंट से शील्ड उस लिन को प्रोटेक्ट करने लगती है। अब जैसे ही वो उस प्रोटेक्टिंग शील्ड पे तलवार से अटैक करता है वो शील्ड दोबारा से उस पे री अटैक करती है और वो दूर चला जाता है। अब ये देख के लूसी भी उस पे अटैक करती है लेकिन उस प्रोटेक्टिंग शील्ड पर इस अटैक का कुछ भी इफेक्ट नहीं होता और वापस से लिन लूसी पे अटैक करता है जिससे वो भी इंजर्ड हो जाती है। इस तरह से ये तीनों यहाँ पे इंजर्ड थे। अब इन तीनों की ये हालत देख करके यहाँ फैंग सोचने लगता है कि अगर वो अकेला उस लिन का सामना करने जाए तो उसके सामने एक सेकंड के लिए भी नहीं टिकेगा, इसीलिए उस लिन से बचने के लिए उसे कुछ दूसरा आइडिया सोचना होगा। जिस पे एल्डर उसे कहते हैं कि तुम्हें इतना भी डरपोक नहीं बनना चाहिए, तुम्हें अपने आप पे कॉन्फिडेंट होना चाहिए और डर के आगे ही जीत है तो तुम्हें अपने डर का सामना करना चाहिए। कि इतने में यहाँ फैंग को एक आइडिया सूझता है, वो अपने हाथ खड़े कर देता है और उस लिन के सामने उसकी तारीफों की माला जपने लगता है और उस लिन से कहने लगता है कि मुझे इस जेड क्रिस्टल में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे इसमें हिस्सा नहीं चाहिए, मैं तो बस तुम्हारा चेला बनना चाहता हूँ और एक चापलूस की तरह बस तुम्हारे साथ ही रहूंगा, मुझे इस ट्रेजर में कोई इंटरेस्ट नहीं है, बस तुम इतना कर दो कि मुझे अपना यंगर ब्रदर मान लो। अब अपनी तारीफ सुनना किसे नहीं पसंद होता, वो लिन भी यहाँ पे पिघल जाता है क्योंकि फैंग ने उसके सामने उसकी तारीफों के ढेर सारे पुल बांध दिए थे। यहाँ लिन उसे इम्प्रेस हो जाता है और उसे कहने लगता है कि तुम तो काफी इंटरेस्टिंग बंदे हो। आगे फैंग उसे कहता है कि मेरे साथ साथ क्यों ना हम इन दो ब्यूटीज को भी अपने साथ रख ले जो कि खुशी खुशी तुम्हारी आज्ञा का पालन करेंगे अगर मैं इन्हें समझाऊं तो। अब ये सुनते ही नान गुआन फैंग को यहाँ झिड़कने लगती है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम भी इस विलन की तरह ही ऐसे गद्दार निकलोगे। जिस पे फैंग उन्हें चुप रहने को कहते हुए उनके सामने जाता है और उन्हें कहता है कि क्या बुराई है अगर मैं इसकी तारीफ कर रहा हूँ तो, क्योंकि लिन काफी बहादुर है और उसके जैसा हैंडसम इंसान को मैंने आज तक नहीं देखा है। अब आगे फैंग तो उनके सामने जाता है लेकिन कुछ इशारे से उन्हें बताने की कोशिश करता है जिस पे वो दोनों लड़कियां मान जाती है और यहाँ पे अपनी ब्यूटी का जाल उस लिन पे बिछाने लगती हैं और इन दोनों लड़कियों के ऐसी ऐसी अदाएं देख के वो जो लिन होता है वो भी पिघल जाता है और पूरी तरह से उसका ध्यान भटक जाता है। अब इसी बात का फैंग यहाँ पे इंतजार कर रहा होता है और वो एक अपने फायरबॉल तलिस्मान को निकालता है और उसकी उस शील्ड पे अटैक करता है लेकिन हम देखते हैं कि उस अटैक का भी उस पे इफेक्ट नहीं होता है। जिस पे लिन उसे कहता है कि मेरे पास ये वाटर मास्क बॉडी प्रोटेक्टर है और तुम्हारी एक फायरबॉल तलिस्मान से ये इसका कुछ भी बाल बाका नहीं होने वाला। अब यहाँ पे फैंग अपने असली पत्ते खोलता है, वो उसे कहता है कि एक फायरबॉल से तो तुम्हारा कुछ भी बाल बाका नहीं होगा लेकिन तुम इतने सारे तलिस्मान के बारे में क्या कहते हो। अब यहाँ पे फैंग के पास इतने सारे तलिस्मान होने के साथ साथ यहाँ उन दो लड़कियों के पास भी काफी सारे तलिस्मान थे जिन्हें फैंग ने ही चुपके से उनके पीछे जाते हुए उन्हें वो तलिस्मान थमा दिया था। कि तभी लिन को यहाँ समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर ये सब कैसे हुआ। तभी हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे फैंग ने चुपके से इन दोनों लड़कियों के हाथों में वो फायरबॉल तलिस्मान दे दिए थे और उन्हें इशारे से यही समझा रहा होता है कि अगर इन सारे तलिस्मान का हम एक साथ यूज करें तो इस लिन से छुटकारा पा सकते हैं। आगे वे तीनों साथ मिलकर के उन सारे तलिस्मान से एक ही बार अटैक करते हैं उसके प्रोटेक्टर पर जिससे वहां पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और लिन वहीं पे धाराशायी हो जाता है और उसे इस तरह से औंधा पड़ा देख फैंग कहने लगता है कि आखिरकार जस्टिस की ही विजय होती है किसी भी ईविल को डिफीट करने में। अब आगे ये दोनों लड़कियां फैंग को यहाँ पे इल्जाम लगाने के लिए माफी मांगती हैं जिस पे फैंग उनसे कहता है कि अरे मेरी इतनी भी तारीफ मत करो, इतनी तारीफ सुनकर तो मुझे बस शर्म आती है। अब आगे फैंग उन सभी से कहता है कि यहाँ पे पढ़े हुए सारे वो आइस स्किल स्पाइडर के साथ साथ यहाँ के जितने भी ट्रेजर्स हैं वो चारों आपस में बांट लेंगे और रही बात उस बड़े से जेड क्रिस्टल की तो ये भी आपस में वो चारों डिवाइड कर लेंगे। अब ये सुनते हुए यीजिंग चिल्लाते हुए गुस्से से उसे कहता है कि तुम अभी डिवाइड करना चाहते हो, इन चीजों का डिवाइड तो होगा लेकिन लिन के पास जो सारे ट्रेजर्स होंगे वो सारे के सारे पाने के सिर्फ तुम ही हकदार हो क्योंकि उसे तुमने हराया है तो उसके सारे ट्रेजर्स को तुम्हें ही मिलना चाहिए।
आगे सभी इस बात पे एग्री करते हैं क्योंकि फैंग ने उसे हराने के लिए अपने सारे फायरबॉल तलिस्मान्स को खर्च किया दिया था और उसी खर्च की भरपाई के लिए उसे लिन का सारा ट्रेजर्स मिल रहा था। अब आगे फैंग उस बड़े से चट्टान को क्रश करता है जिसके अंदर से एक बहुत बड़ा जेड क्रिस्टल निकलता है जिसकी शाइनेस इतनी ज्यादा होती है उन सभी की आंखें चौंधिया जाती हैं। अब यहाँ पे सीन कट होता है और वो इसी बड़े से जेड क्रिस्टल को बेचने के लिए एक ट्रेजर पैवेलियन में जाते हैं जहाँ का शॉपकीपर जो होता है वो बड़ी ही गहराई से उस जेड क्रिस्टल को यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहा था और उनसे कहता है कि मैंने अपनी लाइफ में पहली बार इतना बड़ा जेड क्रिस्टल देखा है, सो इसे तो पूरा खरीदने के लिए मेरे पास इतनी रकम नहीं है, इसीलिए इस बड़े से जेड क्रिस्टल का ऑक्शन करवाना होगा और ये जेड क्रिस्टल ऑक्शन में जितनी बड़ी रकम में बिकेगा उस रकम का 10% उन सभी को दिया जाएगा और ये ऑक्शन जो होने वाला होगा वो उन्हीं के बिहाफ से होगा, इसीलिए वो चारों भी इस ऑक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और इस ऑक्शन में आने के लिए उन्हें VVIP कार्ड दिए जाएंगे। साथ ही इस गोल्ड जेड क्रिस्टल को उन तक पहुंचाने के लिए अभी के लिए उन्हें कुछ रकम भी दी जाएगी। अब यहाँ फैंग फिर भी कंफ्यूज होता है और वो शॉपकीपर से पूछता है क्या ये जो जेड है वो तुम्हारे पैवेलियन के ऑक्शन में एक बड़े ट्रेजर के होने का स्टैंडर्ड भी रखती है या नहीं। अब ये सुनते ही वो जो शॉपकीपर होता है वो अपने आप को 2 थप्पड़ मारता है और यहाँ मन ही मन सोचने लगता है कि इन गधों को क्या पता कि इसकी जो बेस प्राइस है वो 600 लो ग्रेड के स्पिरिचुअल स्टोन से भी कई ज्यादा गुना बढ़ गई है, लेकिन इन सबको अभी उसकी असलियत का नहीं पता इसलिए वो इससे कम रकम दे करके उन सबको उस ऑक्शन में आने का इन्विटेशन देता है। अब आगे वो उन्हें स्पिरिचुअल स्टोन्स के साथ साथ वहाँ VIP बैच पास भी देता है और उन्हें 3 दिनों के बाद उस होने वाले ऑक्शन में बुलाता है। अब यहाँ पे सीन कट होता है और ये लोग आपस में गुड बाय कह रहे होते हैं। अब यहाँ फैंग जो होता है वो यीजिंग से गले लग के कहता है कि उसकी काफी याद आएगी, जिसपे यीजिंग भी बदले में उसे इतनी टाइटली हक करता है कि उसकी सांसें अटक रही थी और आगे वो उससे कहता है जब भी तुम चीजिंग सिटी में आओ तो मुझसे आकर के जरूर मिलना। आगे वो यीजिंग की सिस्टर लूशी को भी हक करके कहता है कि हम दोबारा जरूर मिलेंगे। अब ये दोनों भाई बहन वहाँ से बाय कहते हुए चले जाते हैं और अब नान गुआन से बाय करने की बारी आती है जिसमें नान गुआन उसे ऑफर करती है कि वो उसके साथ ज्वाइन करके साथ में काम कर सकता है, लेकिन फैंग उसके इस ऑफर को ये कहते हुए ठुकरा देता है कि वो एक कैजुअल कल्टीवेटर है और अकेले काम करना ही उसे पसंद है। अब आगे फैंग उससे ये कहते हुए वहाँ से चला जाता है कि मिलते हैं अब 3 दिनों के बाद उस होने वाले ऑक्शन में, जिसमें नान गुआन के ये कहते ही कि सबको इसने हक किया बस मुझे ही हक नहीं किया। अब यहाँ सीन चेंज होता है और हम फैंग को अपने घर में देखते हैं जहाँ वो उस लिन से मिले हुए सारे ट्रेजर्स को गहराई से देख रहा होता है, लेकिन उस लिन के पास से काफी अजीब अजीब सी चीजें निकलती हैं। अब इन चीजों की जानकारी यहाँ फैंग के पास नहीं होती इसलिए वो एल्डर को जागने के लिए कह रहा होता है उस पॉट में से, लेकिन जैसे ही वो एक रेक्टेंगुलर से शेप वाली अजीब सी चीज को हटाता है उसमें से कुछ डार्क मैजिक जैसा रिलीज होता है और उसके रिलीज होते ही वहाँ पे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। इससे पहले कि एल्डर और फैंग यहाँ पे कुछ समझ पाए कि आखिर उस लिन के पास ये इतनी डार्क मैजिक वाली चीजें क्या है, ये एपिसोड यहीं पे फिनिश हो जाता है। एपिसोड की शुरुआत होती है और हम देखते हैं जो फैंग होता है उसे गुफा में एक बड़ा सा क्रिस्टल जेड मिलता है जिसे वे सभी लोग उस पैवेलियन में जा बेचते हैं और वहाँ पे उन्हें इनविटेशन मिलता है उस ऑक्शन में आने का। साथ ही उस गुफा में सारा माल अकेले हड़पने के लिए लिंग ने जो उनके साथ धोखा किया होता है फैंग ने उसे अच्छा मजा चखाया होता है और लिंग के पास जितनी भी चीजें मिलती है फैंग उन सभी को अपने पास रख लेता है। अब आगे एपिसोड की शुरुआत होती है जहां हम फैंग को देखते हैं कि लिंग द्वारा मिले गए सारे ट्रेजर्स को वो देख रहा होता है। उनमें से 2 खास तरह के स्लिप जेड उसे दिखते हैं। जैसे ही वो उन जेड स्लिप को टच करता है वहां एक जोरदार ब्लास्ट होता है जिसे फैंग घबरा जाता है और वो एल्डर को जगाने की कोशिश करने लगता है। एल्डर यहां बाहर निकलते हैं और उसे बताते हैं कि इस जेड स्लिप में एक खास तरह का रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ है जिसे कोई ऑर्डिनरी पर्सन नहीं हटा सकता और खैर के तुम कोई ऑर्डिनरी पर्सन नहीं हो इसीलिए तुम्हें ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है। जिसपे फैंग अब एल्डर से कहने लगता है कि तुम भी तो नॉर्मल इंसान नहीं हो, तुम भी एक घोस्ट हो, तो क्यों ना तुम इस जेड स्लिप के अंदर जाके इसके अंदर जो रिस्ट्रिक्शन हो उसे हटा दो। जिसपे अब आगे हम देखते हैं कि वो एल्डर उस जेड स्लिप के अंदर चले जाते हैं जहाँ पे घनघोर अंधेरा होता है और वहाँ पे उन्हें एक ईविल ऑरा भी नजर आती है और ये ईविल ऑरा उस वेयरवुल्फ से निकल रही होती है जो तेजी से एल्डर पे हमला करने के लिए बढ़ता है। एल्डर यहाँ अपने वुल्फ बीटिंग स्टिक का इस्तेमाल करते हुए लगातार उस वुल्फ पे अटैक करने लगते हैं, लेकिन यहाँ एल्डर के उन सभी अटैक से वो वेयरवुल्फ आसानी से बच जाता है। अब वो वेयरवुल्फ यहाँ एल्डर पे अटैक करने वाला होता है कि जो एल्डर होते हैं वो अपनी ग्रीन वेव एनर्जी से उस वुल्फ पे अटैक करते हैं जिसे वो वुल्फ आसानी से डॉज कर लेता है। और अब आगे हम देखते हैं कि उस वुल्फ ने एल्डर को पूरी तरह से गुस्सा दिला दिया होता है जिसके कारण एल्डर अब अपनी लगातार एनर्जी से उस पे अटैक करते हैं, लेकिन हम उस वुल्फ को देखते हैं जो कि उनके अटैक से बचते हुए उस एल्डर की ही स्पिरिट को निगल लेता है। अब इस स्पिरिट को तो खा नहीं सकता। हम देखते हैं कि एल्डर उस वुल्फ के पेट में ही इतना बड़ा जोरदार धमाका करते हैं
कि वो वुल्फ हवा में ही डिसअपीयर हो जाता है और उसे मारते हुए एल्डर अब उस जेट स्लिप से बाहर निकलते हैं। अब इतनी ज्यादा एनर्जी यूज करने से उनकी पूरी एनर्जी यहाँ खत्म हो चुकी होती है, इसीलिए वो फैंग से कहते हैं कि जल्द से जल्द उसके पॉट में वो ढेर सारे एक फायर स्कॉर्पियंस के ब्लड को डाल दे ताकि एल्डर की एनर्जी वापस से रीजनरेट हो सके। अब फैंग ऐसा करते ही एल्डर की एनर्जी वापस आ जाती है। फैंग उनसे कहता है कि तुम्हें इतनी भी जल्दी क्या करनी थी इस जेट स्लिप को रिस्ट्रिक्शन दूर करने की, जिस पे एल्डर अब उससे कहने लगते हैं कि इस जेट स्लिप के अंदर एक खास तरह का वुल्फ रिस्ट्रिक्शन डाले हुए है जिसे जब तक मैं खत्म नहीं कर लेता इसके रिस्ट्रिक्शन को दूर नहीं किया जा सकता। अब आगे ऐसा कहते हुए वो दूसरे जेट स्लिप के अंदर के वुल्फ को मारने के लिए चले जाते हैं और अब फैंग यहाँ चुपचाप उस जेट स्लिप के अंदर होने वाली हरकत को देखने लगता है। थोड़ी देर बाद उसके अंदर से एल्डर निकलते हैं और वो खुश होते हुए बताते हैं कि उसने आखिरकार विक्ट्री हासिल कर ली है, यानी कि उस दो जेट स्लिप के अंदर के वुल्फ को उसने मार दिया है। रिस्ट्रिक्शन के दूर होते ही उन दोनों जेट स्लिप के अंदर एक खास तरह की गोल्डन थंडर स्नेक टेक्निक होती है जो कि रिलीज हो जाती है। ये देख कर तो फैंग काफी खुश हो जाता है क्योंकि एक ही साथ उसे इतने सारे स्पेल्स मिल चुके थे जिनका इस्तेमाल करके वो कल्टीवेशन की न्यू टेक्निक्स को सीख सकता है, जिसपे एल्डर उसे कहते हैं कि अब इतना भी ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, ये मात्र दो सिंपल टेक्निक्स हैं और फ्यूचर में अगर तुम मेरा इसी तरह से साथ देते रहे तो मैं तुम्हें हजारों टेक्निक्स सिखा सकता हूँ। अब आगे वो उस लिन से मिले दूसरे ट्रेजर्स के बारे में एल्डर उसे बताने लगता है। उनमें से एक खास तरह का बोयान जेड बॉक्स होता है जिसके बारे में एल्डर बताते हैं कि इसमें किसी भी तरह के इक्लिजर और स्पिरिचुअल एनिमल को जिंदा किया जा सकता है, कि जैसे ही हम डिमोनिक और स्पिरिचुअल मटेरियल कलेक्ट करते हैं उनकी स्पिरिचुअलिटी दूर होने लगती है, लेकिन अगर तुम इस बॉक्स में इसे रखोगे तो उनकी स्पिरिचुअल एनर्जी हमेशा के लिए लॉक हो जाएगी। जिसपे फैंग उनसे कहता है कि तो फिर इस ट्रेजर को मैं अपने पास ही रखूंगा, इसे नहीं बेचूंगा। अब आगे एल्डर ये कहते हुए कि रात काफी हो चुकी है और मैं अब आराम करने जा रहा हूँ, तुम्हें बस इन सारी टेक्निक्स को जल्द से जल्द अपने अंदर अब्सॉर्ब करना है ताकि इन टेक्निक्स को तुम जल्द से जल्द सीख सको। अब आगे फैंग उन टेक्निक्स को कल्टीवेशन के जरिए अपने अंदर अब्सॉर्ब करने लगता है। इन टेक्निक्स को सीखते ही वो सबसे पहले टेस्ट यहाँ एल्डर पे ही करता है, जिसपे एल्डर भड़क जाता है ये कहते हुए कि तुम्हें मैं ही मिला था इनका टेस्ट करने के लिए। जिसपे फैंग उसे कहता है कि अरे मैं तो बस निशाना लगा रहा था, मेरा निशाना लगता है इस बार चूक गया, लेकिन अगली बार मैं डायरेक्ट आप पे ही हिट करूंगा। और अब आगे सीन चेंज होता है और हमें ऑक्शन का डे दिखाया जाता है जहाँ पे किंग फैंग से मिलने के लिए उसकी ड्रीम गर्ल नान गुआन पहुँचती है। नान गुआन उस एरिया में काफी ज्यादा मशहूर होती है जिसके काफी चाहने वाले होते हैं। वो एक आइडल होती है जिसे सभी पसंद करते हैं और उसे देखते ही उसे सभी लोग सेलिब्रिटी की तरह ट्रीट करने लगते हैं। यहाँ नान गुआन जैसे ही फैंग से आके मिलती है वहाँ सारे लोग ये रूमर उड़ाने लगते हैं कि लगता है कि नान गुआन का कोई नया बॉयफ्रेंड है, जिससे उनके चाहने वाले के दिलों में एक ठेस लगती है कि नान गुआन को एक नया ओनर मिल गया है। अब आगे ये दोनों मिलकर उस ऑक्शन में जाने का डिसाइड करते हैं तभी वहाँ पे एक न्यू कैरेक्टर की एंट्री होती है। इसका नाम मिस्टर लिन है और ये काफी ज्यादा अमीर फैमिली से बिलोंग करता है। ये भी नान गुआन को अपना आइडल मानता है और जैसे ही वो उसके पास जाता है और उसे फ्लर्ट करने के लिए एकदम चीप लाइन का इस्तेमाल करता है। वो उसे कहता है कि लगता है नान गुआन ने अपना वजन बढ़ा लिया है, जिसपे नान गुआन उसे कहती है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है। तो मिस्टर लिन कहने लगता है क्योंकि मेरे दिल में तुम हमेशा से बसती हो और मेरा दिल काफी ज्यादा भारी हो चुका है तुम्हारे वजन के भारी होने की वजह से। अब इस बकवास लाइन पे वो इम्प्रेस तो नहीं होती, दूसरी तरफ हम फैंग को देखते हैं जो इस बकवास लाइन के बदले में वहाँ डिस्कस्टिंग का सा फेस बनाता है। अब आगे नान गुआन उससे कहती है कि मिस्टर लिन तो इतने ज्यादा अमीर है तो इस छोटे से ऑक्शन में आने के लिए वो इतना इंटरेस्ट क्यों दिखा रहे हैं। जिसपे वो ठहर के मिस्टर लिन फिर से उसे इम्प्रेस करने के लिए एक चीप लाइन कहता है और वो ये होता है कि तुम जहाँ जाओगी मेरा इंटरेस्ट वहीं होगा। अब इसकी इस कबूतरबाजी को देख के फैंग उससे कहने लगता है कि खुद की शक्ल तो मेंढक जैसी है और चला हूर को इम्प्रेस करने। जिसपे मिस्टर लिन उसे कहते हैं कि तुम वहाँ पे खड़े खड़े क्या बड़बड़ा रहे हो, जो भी कहना है खुल के कहो। अब नान गुआन भी उस ठरकी को अच्छे से जानती थी इसीलिए उसे पीछा छुड़ाने के लिए वो फैंग के सामने लिपट जाती है और उसे कहती है इसे मिलो, ये है लिंग, इसने मेरी जान बचाई है और अब से ये मेरा नया बॉयफ्रेंड है। और फैंग भी इस सिचुएशन का अच्छा मजा लेता है ये कहते हुए तो मिस्टर लिन तुम्हें हमारी शादी के दावत पे जरूर आना है। अब आगे सभी लोग उस ऑक्शन में पहुँचते हैं जहाँ पे फैंग नान गुआन से पूछता है कि आखिर ये मिस्टर लिन कौन है। जिसपे नान गुआन उसे बताती है कि वो गोल्डन हीरोइन प्लेस का यंग मास्टर है और काफी ज्यादा रिच फैमिली से बिलोंग करता है और अपनी इसी अमीरी के कारण वो ये समझता है कि वो किसी को भी खरीद सकता है। जिसपे फैंग उसे कहता है कि उसने गोल्डन हीरोइन पैलेस के बारे में काफी सुन रखा है, ये वही पैलेस है जिसने अब तक मॉन्स्टर्स के बीच सरेंडर नहीं किया है, तो ये काफी अमेजिंग है। जिसपे हम नान गुआन को देखते हैं जो उसका गाल पकड़ते हुए कहती है कि अमेजिंग वो नहीं बल्कि अमेजिंग तो तुम हो।
और यहाँ पे नान गुआन उसी के साथ फ्लर्ट करने लगती है और इसी के साथ ही ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। एपिसोड की शुरुआत होती है और हम देखते हैं कि फैंग और नान गुआन उस ऑक्शन में पहुंच जाते हैं जहाँ पे नान गुआन उससे फ्लर्ट करने लगती है और उसके अंदर के राज को उगलवाना चाहती थी। यहाँ पे फैंग ये सोच रहा होता है कि नान गुआन उसे किस करना चाहती है, इसीलिए वो अपनी आंखें बंद कर लेता है, जिसपे नान गुआन उसे कहती है कि लगता है कि तुम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो। आगे वो कहती है कि मैंने सुन रखा है कि उस बैक फॉरेस्ट में किसी ने 100 फायरबॉल्स तिलिस्मांस को पाया है और जिन तिलिस्मानों को तुमने उस गुफा में यूज किया था वो वही तिलिस्मांस थे, तो मुझे तुम्हारा ये सीक्रेट पता चल गया कि वो बंदे और कोई नहीं बल्कि तुम ही थे। जिसपे एल्डर उसे कोस रहे होते ये कहते हुए कि तुम्हारा आइडिया कितना बेवकूफी भरा था, ये तुमने अभी देख लिया ना, इसे तुम्हारे सीक्रेट के बारे में पता चल गया। यहाँ फैंग उस सीक्रेट को छुपाने की कोशिश करता है ये कहते हुए कि उसने उन फायरबॉल्स तिलिस्मांस को खरीदा था, लेकिन नान गुआन के ये कहने पे कि तुमने तो उस गुफा में अपने सारे तिलिस्मांस को यूज कर लिया था, फिर तुम्हारे पास इतने सारे तिलिस्मांस कैसे इकट्ठा हो गए। जिसपे पहले तो वो ये कहता है कि मैंने फिर से उस जंगल में जाके और भी सारे तिलिस्मांस उठा लिए थे, लेकिन फिर उसे याद आता है कि उसने तो बड़ी बेवकूफी वाली बात यहाँ कह दी है, इसीलिए वो एक्सेप्ट कर लेता है कि वो ही सीक्रेटली तिलिस्मांस को रिफाइन कर रहा है। जिसपे नान गुआन कहती है कि मुझे तुम पे पहले ही शक था क्योंकि तुम बार बार उन फायर स्कॉर्पियंस को जो हंट कर रहे थे जिसके ब्लड का यूज तिलिस्मान मेकिंग में काम आता है, तो आखिर ये बात तुमने छुपाई क्योंकि तुम के एक हाई लेवल के एल्केमिस्ट हो, अगर ये बात खुल गई तो सारे सेक्ट तुम्हारे पास आएंगे और तुम्हें अपने सेक्ट में लेना चाहेंगे। अब उन्हें इस तरह से फ्लर्ट करते देख जो मिस्टर लिन होता है वो आग में जल रहा होता है क्योंकि उसे नान गुआन पसंद होती है, लेकिन नान गुआन उसे रद्दी भर भी घास नहीं डालती। यहाँ पे उसे लग रहा होता है कि फैंग और नान गुआन एक दूसरे को किस कर रहे हैं, इसीलिए वो आग बबूला हो जाता है और ये डिसाइड कर लेता है कि वो फैंग से बदला लेकर के रहेगा। अब आगे फैंग उसे कहता है कि मैंने तुम्हारे सामने तो ये एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन तुम इसे किसी के सामने साबित नहीं कर पाओगी और जो भी मेरे खिलाफ बोलेगा उसे मैं हमेशा के लिए चुप कराना जानता हूँ, तो बताओ मेरे इस सीक्रेट को रिवील ना करने के बदले में तुम मुझसे क्या चाहती हो। जिसमें नान गुआन उसे कहती है कि मुझे बस ये समझ में नहीं आ रहा है कि तुम ये सारे काम सीक्रेटली क्यों कर रहे हो जब तुम इतने अच्छे तिलिस्मांस रिफाइन कर सकते हो, साथ ही तुम इन तिलिस्मानों को रिफाइन करके उन्हें बाजार में बेच रहे हो ताकि तुम्हें स्पिरिचुअल स्टोन्स मिल सके, तो उन स्पिरिचुअल स्टोन्स का तुम आखिर कर क्या रहे हो, और इस तरह से मॉन्स्टर्स को किल करने के लिए उन गुफाओं में भटकना तुम्हारे लिए खतरा साबित हो सकता है, और क्या तुम्हें अपनी जान की चिंता नहीं है। जिसपे फैंग उसे जवाब देता है कि मैं तुम्हारे इन सवालों का जवाब नहीं दे सकता, बस मैं इतना कह सकता हूँ कि मुझे अकेली काम करना पसंद है और मैं किसी भी सेक्ट में जाके उसका वॉच डॉग नहीं बन सकता और ना ही उनके इशारों पे काम कर सकता हूँ। जिसपे नान गुआन कहती है कि ठीक है तो चिंता मत करो, मैं तुम्हारे इस सीक्रेट को किसी को नहीं बताऊंगी, लेकिन तुमने उस गुफा में एक बात कही थी कि कौन मेंढक है और कौन मेंढक का बच्चा है, ये तुम्हें जल्द पता चल जाएगा, तो आखिर इसका मतलब क्या है। जिसके जवाब में फैंग तो कुछ नहीं कहता बल्कि वहाँ मेंढक की तरह कुदकते हुए टर्टर करने लगता है। अब उसकी इस बचकानी से हरकत को देख के तो नान गुआन उससे इम्प्रेस हो चुकी थी, पता नहीं लड़कियां ऐसी बचकानी हरकतें देख के तुरंत ही इम्प्रेस क्यों हो जाती हैं। दूसरी तरफ एल्डर फिर उससे कोस रहे होते हैं कि तुम्हें वॉच डॉग नहीं बनना है लेकिन तुम यहाँ मेंढक की तरह कर रहे हो, क्या तुम्हारे दिमाग घुटने में है जो इस तरह से यहाँ एम्बैरेस हो रहे हो। अब यहाँ पे ऑक्शन शुरू होता है और सबसे पहला आइटम हेक्सादान पिल होता है जो कि एक मशहूर एल्केमिस्ट जिया होते हैं, उन्होंने अपने हाथों से रिफाइन की होती है। इसकी बोली 3000 से शुरू की जाती है क्योंकि ये एक ऐसा पिल था जिसे लेने के बाद कोई भी फर्स्ट लेवल पे डायरेक्टली ब्रेक थ्रू कर सकता है। अब सभी लोग बोली लगाना शुरू करते हैं और फाइनली एक पर्सन उसे 4000 स्पिरिचुअल स्टोन्स के दाम पे खरीद लेता है, लेकिन जैसे ही सेकंड आइटम पेश किया जाता है जो कि एक गोल्डन तिलिस्मान पेन होता है, उसे देख करके तो फैंग की आंखें चौंधे आ जाती हैं, जैसे वो उसे लेने के लिए कब से चाह रहा था। जिसकी खासियतों के बारे में वो ऑक्शनिस्ट बताना शुरू करता है कि ये गोल्डन तिलिस्मान पेन एक एग्जीक्यूटिव प्रोडक्ट है जिसे एक फोर्थ लेवल के मॉन्स्टर के जिसकी पूंछ गोल्डन की है उसके हेयर से बनाया गया है। इसकी बोली वो शुरू करता है 300 लो ग्रेड के स्पिरिचुअल स्टोन्स के साथ। अब एल्डर इस ब्रश के बारे में बताते हैं कि ये ब्रश जिस हेयर से बनाया गया है वो काफी ज्यादा ब्लड को एब्सॉर्ब करती है जिससे तिलिस्मान पेपर में राइटिंग काफी स्मूदर होती है, और अगर तुम इसे ले लेते हो तो तिलिस्मान मेकिंग में तुम्हारे मुकाबला कोई नहीं कर पाएगा क्योंकि इस पेन से बनने वाला तिलिस्मान जो होगा उसकी सक्सेस रेट 100% होगी, साथ ही ये तिलिस्मान की क्वालिटी को हाईली इम्प्रूव कर देगा। जिसपे नान गुआन उसे कहती है कि तुम इतने एक्साइटेड क्यों हो गए, क्या तुम्हें वो पेन चाहिए। जिसपे फैंग निराशा में उसे ये जवाब देता है, चाहे मैं जितना भी उसे पाने की इच्छा कर लूं मैं उसे अफोर्ड नहीं कर पाऊंगा। जिसपे नान गुआन उसकी मदद करने को तैयार हो जाती है ये कहते हुए कि अगर तुम्हें वो चाहिए तो मैं तुम्हें कुछ 1000 स्पिरिट स्टोन्स ऐसे ही दे सकती हूँ। अब ये सुनते हुए फैंग उसे कहने लगता है कि उन स्पिरिचुअल स्टोन के बदले में क्या तुम मेरा फायदा उठाने की कोशिश तो नहीं कर रही हो।
जिस पे वो उसे कहती है कि तुम कुछ ज्यादा नहीं सोच रहे, मैं तो उन स्पिरिचुअल स्टोन्स के बदले में तुम्हारे रिफाइन किए गए तिलिस्मानों को लेने की बात कर रही हूँ कि अगर तुम मुझे अपने द्वारा रिफाइन किए गए तिलिस्मानों को देते हो तो मैं तुम्हारी मनी से कुछ हेल्प कर सकती हूँ। अब ये सुनते ही तुरंत जो फैंग होता है वो 500 स्पिरिचुअल स्टोन्स की बोली लगा देता है, जिस पे दूसरे लोग और भी बोली बढ़ाने लगते हैं। तो फैंग यहाँ पे 700 स्पिरिचुअल स्टोन्स की बोली लगाता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि मिस्टर लिन जो होता है वो फैंग को नीचा दिखाने के लिए 1000 की बोली लगा देता है। अब भले ही उस ब्रश की कीमत तो इतनी नहीं होती है, लेकिन फिर वो यहाँ पे वो अपने पैसों का रौब दिखाता है और उस गोल्डन ब्रश को खरीद लेता है। इसमें नानगोन ये समझ जाती है कि उसने ये जानबूझकर किया है, क्योंकि उसके गोल्डन पैलेस में ऐसा कोई बंदा नहीं है जो कि तलिस्मान मास्टर है। अब इस मामले में वो उसे डायरेक्टली बात करने जाती है, लेकिन फैंग उसे रोक देता है ये कहते हुए कि हमारा भी टाइम जरूर आएगा। कि तभी ऑक्शन में अगला आइटम पेश किया जाता है जो कि एक ट्रेजर बैग होता है, जिसके अंदर की स्पेस कम से कम 3000 फीट स्क्वायर होती है। इस तरह का बैग तो हर एक कल्टीवेटर के पास होता है जिसमें वो अपने सारे ट्रेजर्स को रख सके, और इसकी बोली वहाँ पे 800 के लो ग्रेड के स्पिरिचुअल स्टोन्स के साथ लगाई जाती है। अब उसे यहाँ मजा चखाने के लिए फैंग को एक आइडिया सोचता है और वो उसे कहता है कि ये रिच मैन कुछ ज्यादा ही अपनी अमीरी का यहाँ दिखावा करता है, अब मैं इसे दिखाता हूँ। यहाँ पे वो सबसे पहले उसकी ऊंची बोली लगाना शुरू करता है और 1000 से बोली लगती है। अब जैसा कि मिस्टर लिन जो कि फैंग से नीचे नहीं होना चाहते हैं वो फिर से बोली लगाते हैं, वो यहाँ 2000 की बोली लगा बैठता है। जैसे ही फैंग यहाँ पे अपनी अगली बोली लगाने जाता है, नानगुआन उसे रोकती है ये कहते हुए अगर तुम उस ट्रेजर बैग की इतनी ऊंची बोली लगाओगी तो तुम्हारे पास जितने सारे ट्रेजर्स और स्पिरिचुअल स्टोन्स है वो सारे ले लिए जाएंगे, तो तुम ये अफोर्ड नहीं कर पाओगे। साथ ही इस लिंगो सिटी में दोबारा से ट्रेड करने के लिए तुम्हें इस मार्केट से ही निकाल दिया जाएगा। जिस पे फैंग उसे कहता है कि तुम बस चिंता मत करो, ये मुझे जरूर फॉलो करेगा। अब आगे फैंग यहाँ पे अपनी एक्टिंग शुरू करता है और वो नानगुआन का हाथ पकड़ लेता है और उसे जोर जोर से ये कहने लगता है कि मेरे पास काफी कम स्पिरिचुअल स्टोन्स हैं, लेकिन पहले तुम्हें वो ब्रश चाहिए था और मैं तुम्हें वो दिलवा ना सका, लेकिन अब जब तुम्हें वो ट्रेजर बैग पसंद आया है तो मैं किसी भी कीमत पर तुम्हारे लिए उसे जरूर खरीदूंगा। अब ये मिस्टर लिन सुन लेता है कि ये जो फैंग है वो उस बैग को नानगुआन के लिए खरीद रहा है और यहाँ पर दिखावा कर रहा है कि मेरे से ज्यादा अमीर वो है, लेकिन अब चाहे वो जितनी भी ऊंची बोली लगाए मैं उस यूनिवर्सल बैग को तो खरीद के ही रहूंगा और इसे मैं ही नानगुआन को गिफ्ट करूंगा। अब यहाँ पे और भी ज्यादा वो बोली लगाने लगता है, फैंग भी यहाँ पे बोली लगाता है, लेकिन लास्टली वहाँ पे 5000 स्पिरिचुअल स्टोन्स की बोली के साथ मिस्टर लिन उस बैग को खरीद लेता है जो उसकी साज तक की सबसे बड़ी बेवकूफी थी, और अपनी इस बेवकूफी के कारण वो पूरे पैवेलियन में चर्चा का विषय बन जाता है। आगे वो इस बैग को नानगुआन को सेंड कर देता है फ्लाइंग किस के साथ, जिसे नानगुआन देखते ही डिस्गस्टिंग सा फेस बनाती है। और अब यहाँ पे एपिसोड खत्म होता है और हमें अगले एपिसोड में दिखाया जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि फैंग नानगुआन से कह रहा होता है कि मिस्टर लिन तो तुम पे काफी मेहरबान है, तो मेरे कहते ही उसने अपने 1000 ऑफ स्पिरिचुअल स्टोन्स इस मैजिकल वेपन को खरीदने में लगा दिए। लेकिन नानगुआन तो यहाँ फैंग से ही इम्प्रेस थे और वो उस पे डोरी डाल रही होती है। वो उसे कहती है कि अगर ये स्पिरिचुअल वेपन तुम्हें इतना पसंद है तो मैं ये तुम्हें दे देती हूँ, लेकिन इसके बदले में तुम्हें मेरी एक बात माननी पड़ेगी। फैंग उस जादुई वेपन को झट से ले लेता है और उसे कहता है कि अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी बात मानूं तो वो तो मैं ऐसे ही मान लेता, तुम्हें ये सब देने की जरूरत नहीं है। नानगुआन फिर से उसे फ्लर्ट करते हुए कहती है कि मैं बस इतना चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ ताइची ज्वाइन कर लो। ताइची नानगुआन का ही ग्रुप होता है जिसकी वो एक मेंबर होती है। इस पे एल्डर उसे सावधान करता है कि तुम तो एकदम एक नंबर के बेवकूफ हो, ये लड़की समझ चुकी है कि तुम एक तलिस्मान मेकर हो, क्या तुम इसके साथ जाना चाहते हो ताकि ये तुमसे 24 घंटे तलिस्मान बनवाए, और जैसे ही तुम इनके ताइची ग्रुप को ज्वाइन करोगे ये तुमसे तब तक सिंबल को ड्रॉ करवाते रहेंगे जब तक तुम्हारी मौत ना हो जाए। इस पे फैंग उसे ये कहते हुए मना कर देता है कि मैं अपनी बॉडी तो सेल कर सकता हूँ लेकिन मैं अपने आर्ट को कभी नहीं बेचूंगा। इन दोनों की चल रही बातचीत के बीच में ही वो आया वह सर्वेंट इनसे पूछने लगता है कि मिस्टर लिन ने ये मैजिकल वेपन तो दिया है, साथ में वो नानगुआन का जवाब भी मांग रहे हैं, जिस पे नानगुआन उससे कहती है कि आखिर किस तरह का वो जवाब मांग रहा है, जिस पे वो सर्वेंट उसे बताता है कि आप उसकी क्या गर्लफ्रेंड बनना चाहती हैं। अब ये सुनते ही नानगुआन याक जैसा फेस बनाती है कि मेरे इतने बुरे दिन आ गए हैं कि मैं उस मिस्टर लिन को डेट करूं। वेल्डर फैंग को समझाते हैं कि तुम इस लड़की के झांसे में मत पड़ना क्योंकि लड़की तुमसे कुछ और ही करवाना चाहती है, और मैंने इन बीते हुए 10,000 सालों में काफी कुछ देख रखा है, इसीलिए एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि इन लड़कियों के चक्करों में तो मत पड़ना। आगे किसी ने उनको ही इसी तरह से धोखा दिया था और वो अपने पास्ट की कहानी बताने लगते हैं कि 8,000 साल पहले मैं भी तुम्हारे जितना पावरफुल बंदा हुआ करता था, लेकिन एक रात मेरा दुश्मन मेरे दरवाजे पर आया और उसने मेरी मौत का ऐसा जाल बिछाया कि मैं 15,000 सालों तक उसके अंदर दफन रहा। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि यहाँ नानगुआन से फैंग अलविदा कहता है
अगनान गुआन जाते हुए वो उसे कम्युनिकेशन तलिस्मान देती है जिसके थ्रू वे एक दूसरे के टच में रह सकते हैं और बातें कर सकते हैं। जाते हुए वो उसे कहती है कि जब ये तलिस्मान शाइन करेगा तो तुम्हें एक खास जगह जिसका नाम जुआन फेंग है वहाँ पे पहुँचना है और वहाँ पे मेरा वेट करना है। अब अगले सीन में हम फेंग को देखते हैं जो कि उसी मैजिकल वेपन जो कि एक तलिस्मान पेन होता है उसका यूज कर रहा होता है, जिससे उसके ड्रॉ किए गए तलिस्मान की स्पीड भी बढ़ जाती है, साथ ही उसकी जो सक्सेस रेट होती है वो भी इंक्रीज हो जाती है। ये सब बस उसके ऑक्शन में खरीदे गए उस स्पिरिचुअल पेन का कमाल था। वो उसकी इस तलिस्मान रिफाइनिंग टेक्निक को देख करके एल्डर उसे कहते हैं कि आजकल के बच्चों को सिखाना काफी मुश्किल हो गया है। फेंग जो होता है अब तक उसने एक ही तरह के तलिस्मान ड्रॉ किए थे जो कि फायर बॉल्स थे, इसीलिए वो एल्डर से रिक्वेस्ट कर रहा होता है कि वो उसे अब की बार न्यू टेक्निक सिखाए, जिसपे एल्डर अब उसे फैंटम तलिस्मान मेकिंग के बारे में बताते हैं। अब इस तलिस्मान की ये खासियत होती है कि ये किसी के अटैक पावर को और भी ज्यादा हाई कर देगा, जिसपे एल्डर उसे सही करते हुए कहते हैं कि तुम गलत सोच रहे हो, इसके सिंबल्स में कोई अटैक पावर नहीं है और इस तरह के तलिस्मान तो 10,000 साल पहले ही बनना बंद हो चुके हैं। जिसपे फेंग उनसे पूछता है कि जब ये इसका कोई यूज ही नहीं है तो फिर आप मुझे ये टेक्निक को क्यों बता रहे हो। जिसपे एल्डर अब उसे बताता है कि ये एक यूनिक इल्यूजन और साउंड को पैदा करेगा जो कि तुम्हारे स्पेल को पूरी तरह से स्टिमुलेट कर देगा और किसी भी ऑब्जेक्ट या ह्यूमन की शक्ल को धारण कर सकता है। अब ये बात सुन करके फेंग काफी ज्यादा उत्साह से भर जाता है और उनसे कहने लगता है कि मुझे ये टेक्निक जल्द से जल्द सीखनी है क्योंकि मैं इन तलिस्मान्स को ड्रॉ करके जल्द ही कैजुअल कल्टीवेटर बन जाऊंगा। अब ये दोनों इसी ख्याल में रात को सो जाते हैं। अगली सुबह जब होती है तो यहाँ उस पॉट को जोर जोर से फेंग हिला रहा होता है ताकि एल्डर जाग जाए और फेंग उनके सामने एक तलिस्मान को दिखाते हुए पूछता है कि क्या उसने ये गलत ड्रॉ किया है। जिसपे एल्डर कहते हैं कि ये तलिस्मान में कुछ गड़बड़ी नहीं है, सब कुछ ठीक है। जिसपे फेंग पूछता है जब सब कुछ ठीक है तो फिर ये तलिस्मान वाटर स्प्रिट में क्यों नहीं ट्रांसफॉर्म हो रही। जिसपे एल्डर समझाते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन करना इतना ज्यादा आसान नहीं है, इसके लिए तुम्हें बॉडी को एक शेप में ला करके कंडेंस करना होगा और ये बॉडी को पता होना चाहिए तभी वो शेप में आएगी। जिसपे फेंग उनसे कहता है कि अरे बुढ़े तो इसके बारे में पहले क्यों नहीं बताया, तुम्हारे ही कारण लगता है मैंने पूरी रात बेकार में ही इतनी मेहनत की। अब अगले सीन में देखते हैं कि फेंग ने एल्डर के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए एक ऐसे तलिस्मान को वो ड्रॉ कर चुका था जो कि हूबहू उसके जैसा ही दिखने वाला क्लोन को बना सके। यहाँ फेंग अपनी ही शक्ल को देख के निहार रहा होता है और खुद अपनी तारीफ करते हुए कहता है कि इतना हैंडसम फेस मैंने पहले कभी नहीं देखा और इसी फेस को देख करके तो वो नान गुआन मेरे प्यार में गिर गई। अब आगे इस क्लोन को एक्टिवेट करने के लिए फेंग को एक बीस्ट के इनर कोर की जरूरत होती है। अब इसी इनर कोर को वो एल्डर से मांग रहा होता है। इस पे एल्डर उसे कहते हैं कि अपनी मदद तुम्हें खुद ही करनी पड़ेगी, तुम्हें एक हाई लेवल का मॉन्स्टर ढूंढना होगा जो कि एक ब्रेन डैमेज के साथ पैदा हुआ हो और जैसे ही उसकी इनर कोर की लाइट तुम्हारी इस फैंटम लाइट तलिस्मान पे पड़ेगी ये सॉलिडिफाई हो जाएगा, मीन्स कि तुम्हारा बनाया गया क्लोन जिसके आर पार तुम अपने हाथों को कर पा रहे हो ये कमी भी दूर हो जाएगी। अब यहाँ फेंग सोच में पड़ जाता है कि आखिर उन इन डेंजरस मॉन्स्टर का शिकार कहाँ पे जाके करेगा ताकि वो अपने क्लोन की पर्सनैलिटी उसी डेमोनिक बीस्ट की तरह कर सके। अब उसे कुछ चीजों की जरूरत होती है ताकि वो उस डेमोनिक बीस्ट का शिकार कर सके, इसलिए वो उस ट्रेजर पैविलियन में जाता है और उस शॉपकीपर को बताता है कि उसे 10,000 स्नेक वैली जाना है, तो मुझे कुछ ऐसी चीजें दिखाओ जहां उस वैली में मेरे काम आ सके और मैं अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाऊं। अब इस पे वो शॉपकीपर उसे फ्री की एडवाइस देने लगता है। यहां फेंग को फ्री की एडवाइस देने लगता है कि वो 10,000 वैली कोई मामूली जगह नहीं बल्कि काफी खतरनाक है जहां पे अनगिनत मॉन्स्टर और डिमोनिक बीस्ट हैं। लेकिन फिर भी वहां तुम जाना चाहते हो तो हमारे यहां की हंटिंग पैकेज तुम्हारे लिए सबसे बेटर होगी, इसमें तुम्हें वो सारे इक्विपमेंट्स मिल जाएंगे जिससे तुम उन मॉन्स्टर्स का शिकार कर सकते हो। अब अगले सीन में हम फेंग को उसी वैली की तरफ जाता देखते हैं जहाँ पे काफी सन्नाटा पसरा हुआ था, एक चिड़िया के भी चहचहाने की आवाज़ नहीं आती। इस पेल्डर उसे बताते हैं कि यहाँ दूसरे जानवरों की आवाज़ इसलिए नहीं आती क्योंकि उन सब को उन मॉन्स्टर्स ने जो खा लिया है। इसी दौरान यहाँ फेंग का कोई पीछा कर रहा होता है जो कि दो उड़ते हुए ड्रैगन स्नेक होते हैं और अचानक ये फेंग पे हमला भी कर देते हैं, लेकिन फेंग इनके अटैक्स को आसानी से डॉज कर लेता है अपने शील्ड को एक्टिवेट करके। आगे वो शील्ड के अंदर ही एक ऐसा थंडर वेव जनरेट करता है जिससे शॉक लगते ही वो दोनों के दोनों मॉन्स्टर वहीं पे ढेर हो जाते हैं और फेंग उनके सामने एक पोज मार के खड़ा हो जाता है ये कहते हुए कि आए बड़ा मुझे डंक मारने के लिए। लेकिन अभी तो यहाँ खतरे की शुरुआत होती है, इस जैसे अनेक अनगिनत वहाँ ड्रैगन स्नेक्स जो होते हैं वो लगातार फेंग का पीछा करने लगते हैं, लेकिन फेंग यहाँ दुगनी तेजी से उनके आगे बढ़ता है और एक एक करके वो हर एक ड्रैगन स्नेक को मार डालता है। वहाँ पर बस एक ही ड्रैगन स्नेक बच जाता है जो कि समझ चुका था कि वहाँ फेंग से मुकाबला नहीं कर सकता,
इसलिए वो दुम दबाकर वहाँ से भागने लगता है, लेकिन फैंग उसे भी नहीं छोड़ता। उसे भी एक ऐसा इलेक्ट्रिक शॉक देता है कि वो वहीं मारा जाता है। लेकिन हम तभी देखते हैं कि एक बहुत बड़ा जायंट ड्रैगन जो होता है वो लिफ्ट से फैंग की तरफ अटैक करता है। यहाँ एल्डर उसे बचने का इशारा तो करते हैं, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। यहाँ फैंग का शील्ड भी उसे प्रोटेक्ट नहीं करता और वो ड्रैगन से टकराता है और नीचे गिर जाता है। उस नए मॉन्स्टर के बारे में यहाँ एल्डर बताते हैं कि ये स्नेक ड्रैगन लेवल 4 का मॉन्स्टर है, जिसके हेड पे एक लंबी सींग है और इसी का इनर कोर तुम्हारे क्लोन को सॉलिडिफाई करने के लिए सबसे बेस्ट रहेगा। कि तभी उस स्नेक के खतरनाक दहाड़ के साथ ये एपिसोड यहीं फिनिश होता है। तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है और हम देखते हैं कि फैंग ने उस ऑक्शन में खरीदे गए उस मैजिकल पेन का यूज करके एक ऐसा तिलिस्मान बना लिया होता है, जिससे वो खुद का ही क्लोन बनाने में कामयाब हो जाता है। लेकिन उसे अपने क्लोन को एक्टिवेट करने के लिए एक डेमन इक्लेजर की जरूरत होती है। इसके लिए वो एक ऐसे माउंटेन पे जाता है जहाँ पे वो उनका शिकार कर सके। अब पहले तो इसका सामना कुछ मामूली स्नेक ड्रैगन से होता है, जिन्हें वो अपने तिलिस्मान का यूज करके तुरंत हरा देता है। लेकिन एकाएक अब उसके सामने एक बहुत बड़ा जॉइंट स्नेक ड्रैगन अपेयर होता है। अब ये जो डिमन मॉन्स्टर होता है वो लेवल 4 से अबव का मॉन्स्टर होता है, जिसके पास एक खास तरह का डिमन इक्लेजर होता है। वो अपने इसी इक्लेजर का यूज करता है, बार बार इसे अपने मुंह से निकाल रहा होता है और उसी से ही फैंग पे अटैक करता है। लेकिन फैंग यहाँ उसके अटैक्स को आसानी से डॉच करता है अपने तिलिस्मान का यूज करके। अब इस तरह के डिमन इक्लेजर को उन्होंने पहली बार देखा था और यही वो चीज होती है जो कि ये लोग ढूंढ रहे होते हैं। अब आगे हम उस मॉन्स्टर को देखते हैं जो कि अपने ही इक्लेजर पिल को निकल लेता है और अपने सींग में एक तरह की थंडर एनर्जी को जनरेट करने लगता है, जिस पे एल्डर फैंग से कहते हैं कि यहाँ पे खड़े खड़े उसके थंडर स्ट्राइक का इंतजार कर रहे हो। अब इससे पहले कि एक जोरदार थंडर अटैक फैंग पे पड़ता, वो इसे आसानी से डॉच कर लेता है। अब अगला अटैक वो मॉन्स्टर अपने हॉर्न से एक ऐसी एनर्जी जनरेट करने लगता है जिससे एक वैक्यूम क्रिएट हो जाती है, जो कि अपने तरफ सभी चीजों को खींचने लगती है। अब आगे उस वैक्यूम से बचने के लिए यहाँ फैंग एक पेड़ को पकड़ लेता है, लेकिन उस पेड़ को ज्यादा देर तक पकड़े रह पाना यहाँ फैंग के लिए भी मुश्किल हो रहा था। इसलिए एल्डर उसे कहते हैं कि तुम यहाँ पे संभालो, तब तक मैं उस मॉन्स्टर के अंदर से पिल निकालने की कोशिश करता हूँ। अब आगे वो मॉन्स्टर पूरी तरह से बेकाबू हो जाता है और लगातार फैंग पे अटैक करने लगता है, लेकिन फैंग यहाँ उसके अटैक से बच जाता है और एकाएक चारों तरफ सन्नाटा छा जाता है। वहाँ पे एक जोरदार ब्लास्ट होता है, जिसके कारण वो मॉन्स्टर भी फैंग को इधर उधर ढूंढने लगता है। और जब उसे फैंग दिख जाता है तो वो उसे निकलने के लिए तेजी से उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन वो सिर्फ उसका क्लोन होता है जिसके आर पार वो मॉन्स्टर हो जाता है। और ये सब फैंग की ही चाल थी ताकि वो उस मॉन्स्टर को चकमा दे सके। अब आगे फैंग अपने तिलिस्मान का एक जोरदार अटैक उस मॉन्स्टर पे करता है, जिसे वो एक तरह की लाइटनिंग शील्ड में ट्रैप हो जाता है। और अब एल्डर उसे कहते हैं कि तुम्हें यहीं पे नहीं रुकना है, तुम्हें लगातार इस पे अटैक करना होगा, वरना ये अपनी शील्ड से बाहर निकल जाएगा। अब आगे हम फैंग को देखते हैं जो एल्डर के ऑर्डर द्वारा वो लगातार अपने तिलिस्मान से उस मॉन्स्टर पे अटैक करता है, जिससे वो मॉन्स्टर वहीं जान से मारा जाता है और फाइनली ये फाइट खत्म होती है। यहाँ इतने बड़े 4th लेवल के डिमोनिक मॉन्स्टर को फैंग ने अकेला ही मारा था, इसलिए अब वो अपने आप के खुद ही तारीफ कर रहा होता है कि वो कितना कूल है जिसने इतनी आसानी से इस डिमोनिक मॉन्स्टर को हरा दिया। अब एटीट्यूड में वो उसको ऊपर बैठा होता है और अपनी जीत का जश्न मना रहा होता है। इस पे एल्डर उसे कहते हैं कि इतना भी ज्यादा घमंड करने की जरूरत नहीं है, मैंने देखा ये डिमोनिक मॉन्स्टर ने तो तुम्हें कुत्तों की तरह पीटा है। जिस पे फैंग उनसे कहता है कि लगता है कि आपकी आंखें खराब हो चुकी हैं, क्योंकि आप मेरी इस युद्ध की कला को कैसे समझ पाओगे। ये मेरे लिए आर्ट ऑफ वॉर है जो कि मेरी हार को जीत में बदल देता है। अचानक से फैंग को उस मॉन्स्टर के मुंह के अंदर से एक चमकीली चीज नजर आती है, जिसे वो बाहर निकालता है तो वो एक तरह का कॉस्ट्यूम होता है। अब इस तरह के एक लेडीज कॉस्ट्यूम को देख करके वो दंग रह जाते हैं कि आखिर ये उसे मॉन्स्टर के मुंह में क्या कर रहा होगा। उस यूनिफॉर्म में काफी स्पिरिचुअल पावर नजर आती है, जिसके बारे में एल्डर बताना शुरू करते हैं कि हो सकता है कि उस मॉन्स्टर ने एक ऐसे वॉरियर को निगल लिया होगा जिसके ये यूनिफॉर्म हो गया, और इसकी स्पिरिचुअल पावर की वजह से वो इसे डाइजेस्ट नहीं कर पाया। आगे फैंग को वो इस यूनिफॉर्म में रियल एनर्जी इंजेक्ट करने को कहता है। अब फैंग के ऐसा करते ही उस यूनिफॉर्म के अंदर से एक फायर फीनिक्स निकलता है, जो कि एक सेमी स्पिरिचुअल लेवल की बर्ड है, जिसे देख के उसे आश्चर्य होता है कि ये पावरफुल तो है, लेकिन ये मेरे किसी काम की नहीं है, क्योंकि ये एक फीमेल नन की कॉस्ट्यूम लग रही है और मैं इस तरह की अजीब से दिखने वाली चीज को तो बिल्कुल भी पहन करके तो यूज नहीं कर सकता। जिस पे एल्डर उसे कहते हैं कि तुम्हारी जितनी कल्टीवेशन लेवल थी उसमें तो इस थंडर बीस्ट को हरा पाना नामुमकिन था, और अगर उसे मरने की वजह से तुम्हें ये स्पिरिचुअल पावर वाली यूनिफॉर्म मिलती है तो इसे रखने में क्या जाता है। अब ना चाहते हुए भी उसे उस कॉस्ट्यूम को अपनी पोटली में रखना पड़ता है, और आगे उस डिमोनिक मॉन्स्टर के पूरे शरीर को भी वो अपनी यूनिवर्सल पोटली में डाल देता है। कितने में ही नान गुआन द्वारा दिया गया वो स्पिरिचुअल जेड चमकने लगता है, क्योंकि ये इंडिकेट करता है कि नान गुआन ने उसे मिलने के लिए बुलाया है।
अब उसके सिग्नल भेजते ही यहाँ फैंग उससे मिलने के लिए जाता है। यहाँ पे एक छोटी लड़की उसका इंतजार कर रही होती है और वो उससे कहती है कि नानगुआन ने ही उसे भेजा है। इस पे फैंग उसे पूछता है कि तुम्हें कैसे पता है कि मैं ही किंग फैंग हूँ। तो वो छोटी लड़की उसे बताती है कि नानगुआन ने बताया था कि उस मार्केट में जो भी घिसा पिटा सा तुम्हें दिखेगा वही फैंग होगा। अब ये सुन के फैंग उसे कहने लगता है कि मैं तो इतना भी घिसा पिटा नहीं लग रहा है जितना कि नानगुआन ने मेरे बारे में तुम्हें बता दिया है। जिस पे एल्डर उस लड़की के बारे में कहते हैं कि इसे तो लोगों के चेहरे पढ़ने काफी अच्छे से आता है, इतने दिनों में यही एक लड़की है जिसने तुम्हें अच्छी तरीके से पहचाना है। अब आगे फैंग उसे पूछता है कि आखिर नानगुआन ने मेरा वेट करने के लिए तुम्हें यहाँ पे क्यों कहा है। जिस पे वो छोटी लड़की उसे एक अजीब सी चीज देते हुए कहती है कि नानगुआन ने इसे तो मुझे तुम्हें देने को कहा है, जब तुम इसे देख लोगे तो तुम खुद ब खुद समझ जाओगे कि तुम्हें क्या करना है। अब उस चीज को देते ही वो लड़की वहाँ से चली जाती है। वो एक सीक्रेट मैसेज वाला तलिस्मान होता है जिसे फैंग पकड़ते ही उसमें एक वर्ड शो करता है जो कि उसे बताता है कि नानगुआन जल्द से जल्द उसे उस मिगॉट केव में मिलेगी। जिसमें यहाँ फैंग सोचने लगता है कि आधी रात गए नानगुआन आखिर उसे मिगॉट केव में क्यों बुला रही है। अब ये तो उसे जाकर के ही पता लगाना होगा और आगे हम उसी सीन को देखते हैं जहाँ उस गुफा के बाहर वो पहुँच तो जाता है और ये सोचने लगता है कि आधी रात में एक अकेली लड़की ने मुझे यहाँ क्यों बुलाया होगा, कहीं वो मुझे यहाँ डेट तो नहीं करना चाहती और हो सके तो आज वो मुझे प्रपोज भी कर दे। अब इसी के बारे में सोचते हुए वो अपने सपनों की दुनिया में चला जाता है जिसपे एल्डर उसे जगाते हुए कहते हैं कि तुम इस तरह से चुपचाप खड़े हो, क्या तुमने सुसु यहाँ पे कर दिया है। जिसपे फैंग उसे कहता है कि बुढ़े तू तो सठिया गया है, साथ ही तुम्हारी आत्मा का भी यही हाल हुआ है। अब आगे उस गुफा के बाहर आते ही वो नानगुआन को एक सिग्नल सेंड करता है। यहाँ पे एल्डर उसे आगाह करने की कोशिश करती है कि तुम्हारे लिए उस गुफा के अंदर अकेले जाना खतरे से खाली नहीं होगा। कि तभी नानगुआन भी वहाँ पे आ जाती है जो उसे कहती है कि तुम तो काफी स्मार्ट लिख ले, जो मेरे द्वारा भेजे गए सीक्रेटली मैसेज को तुमने आसानी से डिकोड कर दिया और मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी ताकि हम दोनों साथ में मिलकर इस गुफा के अंदर जाएं। इस पे फैंग उसे बता देता है कि वो आज उस स्टिंगमिन माउंटेन पे गया था, इसकी वजह से वो स्पिरिचुअल जेट का कनेक्शन वीक हो गया था और तुम्हारा दिया गया मैसेज मुझ तक नहीं पहुंच पाया। अब उस माउंटेन का नाम सुनते ही यहाँ नानगुआन काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और उससे पूछती है कि क्या तुम उस माउंटेन पे अकेले ही गए थे, क्योंकि वो माउंटेन तो मॉन्स्टर से भरा हुआ है और वहाँ पे आज तक अकेला कोई सर्वाइव नहीं कर पाया है। अब आगे इन सब बातों को वो साइड करते हुए उसे अपने साथ अंदर गुफा में चलने को कहती है। जिसपे फैंग तो यहाँ कुछ और ही खिचड़ी पका रहा होता है, वो उसे लगातार बस यही पूछ रहा होता क्या सच में हम दोनों अकेले साथ में उस गुफा के अंदर जाने वाले हैं जहाँ हम सिर्फ दोनों ही अकेले होंगे। जिसपे नानगुआन कहती है तो फिर तुम्हारा क्या मतलब है, यहाँ हमें पूरी बारात को साथ लानी चाहिए। जिसपे फैंग यहाँ शर्माते हुए उससे कहता है कि तुम्हें तो पता ही है एक मैन और वुमेन इस तरह से आधी रात में अकेले मिलते हैं तो उनके बीच की इस तन्हाई का मतलब क्या होता है। जिसपे नानगुआन भी यही कहती है कि आखिर तुम किन ख्यालों में डूबे हुए हो जो यहाँ पे चुपचाप इस तरह से खड़े हो, या तो फिर तुमने यहाँ पे सुसु कर लिया है। अब इस बात में तो एल्डर जोर जोर से हंसने लगते हैं लेकिन यहाँ फैंग की पूरी बनी बनाई उम्मीदों पर पानी फिर जाता है और इसी के साथ ये एपिसोड भी होता है फिनिश। एपिसोड की शुरुआत होती है और हम देखते हैं एपिसोड की शुरुआत होती है जहाँ पे नानगुआन गुफा के अंदर जाती ही उसके बताती है कि कल वो एक बड़े से कनखजूरे का पीछा करते हुए इस गुफा के अंदर आई थी जहाँ मैंने एक्सीडेंटली दो यूनजी जेट को डिस्कवर किया। अब ये सुनते ही फैंग के सारी उम्मीदें धरी के धरी रह जाती है। नानगुआन उसे केव में यहाँ पे उस जेट को लेने के लिए आई है, ना कि उसके साथ रोमांस करने। अब आगे एल्डर उसी यूनजी जेट के बारे में बताते हैं कि ये एक तरह का सुपीरियर एलिक्सर होता है जिसे अगर कोई मॉन्स्टर खा ले तो वो इमिडिएटली एक लेवल अप कर जाता है। अब आगे नानगुआन उसे बताना शुरू करती है कि वो यूनजी जेट ऑलमोस्ट मैच्योर हो चुके हैं और जब तक उनकी मैच्योरिटी पीरियड खत्म नहीं हो जाती हम उन्हें नहीं तोड़ सकते, और अगर किसी ने ऐसा कर दिया तो उसके अंदर की जो स्पिरिट है वो पूरी तरह से एग्जॉस्ट होते ही ड्राई अप हो जाएगी। अब आगे जैसे ही फैंग उस यूनजी जेट को देखता है सोचने लगता है कि इसे मार्केट में गुड प्राइस में बेचा जा सकता है और बिना अवतार देखे वो उसे पिकअप करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। जिसमें नानगुआन उसे हिट करते हुए रोकती है कि अब इतनी भी जल्दी क्या है, क्योंकि जिस यूनजी जेट का हम मैच्योर होने का वेट कर रहे हैं कोई और है जो उसका भी मैच्योर होने का वेट कर रहा है और वहाँ पे एक फोर्थ लेवल का मॉन्स्टर विंड स्प्रिट भी होता है जो एक फीनिक्स है जिसकी आधी बॉडी ईगल और आधी बॉडी लायन की है और वही विंड स्प्रिट उस जेट के मैच्योर होने का वेट कर रहा है, जिसे यहाँ फैंग देख करके कहता है कि धत तरीके अब एक और फोर्थ लेवल के मॉन्स्टर से लड़ना पड़ेगा। जिसपे नानगुआन उसे पूछती है कि एक बार और लड़ना पड़ेगा इसका क्या मतलब है, मतलब तुम्हें आइडिया है कि फोर्थ लेवल मॉन्स्टर्स को कैसे हराया जाता है। जिसपे फैंग उसे बताता है कि इस तरह के विंड स्प्रिट मॉन्स्टर्स को हराने के लिए मेरा फायर बॉल चार्म ही काफी है
यहाँ पे फैंग को एक आइडिया सूझता है कि क्यों ना इस केव के एंट्रेंस में उस विंड स्प्रिट के मॉन्स्टर के सर को फंसा दिया जाए। आगे हम देखते हैं कि वो जो जेड यूनजी होता है अब मैच्योर हो चुका होता है, जिसकी स्मेल अब उस मॉन्स्टर के नाक में जाती है और वो जाग जाता है। और इससे पहले कि वो उस जेड को ले पाए, वहाँ पे अटैक करता है फैंग उसके ऊपर और उसे कहता है कि तुम इतने आसानी से इसे नहीं ले सकते क्योंकि तुम्हारा ओपोनेंट यहाँ पे मैं हूँ। अब आगे वो विंड स्प्रिट मॉन्स्टर पे उस पे अटैक करती है, लेकिन यहाँ पे फैंग अपने शील्ड से इस अटैक को रोक लेता है। अब इससे पहले कि वो मॉन्स्टर एक बार और फैंग पे अटैक कर पाते, यहाँ फैंग अपने फायरबॉल तलिस्मान का यूज उस पे करता है। यहाँ नान ग्वान भी अपने वेपन से उस पे हिट करती है, जो सीधा उस मॉन्स्टर के सर में जा लगता है। अब आगे फैंग किसी भी तरह से उस मॉन्स्टर के एंट्रेंस से पार कर जाता है, लेकिन वो जो विंड स्प्रिट मॉन्स्टर होती है वो उस एंट्रेंस में फंस जाती है। अब इसी चक्कर में यहाँ जो फैंग होता है वो एक्सीडेंटली नान ग्वान पे ही गिर जाता है। नान ग्वान उसे अपने ऊपर से उठने के लिए कहती है और उसे कहती है कि तुमने तो अपने फायरबॉल तलिस्मान से एक ही झटके में इसे इतना इंजर्ड कर दिया है, अगली बार जब फोर्थ लेवल के मॉन्स्टर से लड़ने की बारी आएगी तो मैं सारा मामला तुम पे छोड़ दूंगी। आगे यहाँ फैंग उस विंड स्प्रिट के पास जाता है और उसे कहता है कि तुम तो आज मेरे चंगुल में आसानी से फंस गई और आज तो अनलकी डे था तुम्हारे लिए, अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। अब ये कहते हुए फैंग तो उसे गुदगुदी करने लगता है। स्पेलर उसे कहते हैं कि यहाँ पे आग को हवा देने का काम ना करने के बजाय अपना काम करते तो ज्यादा बेटर होता, क्योंकि ये मॉन्स्टर भले ही इंजर्ड है लेकिन कभी भी तुम पे अटैक कर सकती है। जिस पे फैंग एक फायर तलिस्मान निकालता है ये कहते हुए कि आज तो मैं एक रोस्टेड चिकन खाऊंगा और उस फायर स्प्रिट मॉन्स्टर पे अटैक करता है, जिस पे वो विंड स्प्रिट तो वही झलबुन के ढेर हो जाती है। अब आगे नान ग्वान उससे कहती है कि यहाँ पे ये दो जेड यूनजी है जिनमें से एक तुम रख लो और एक मैं रख लूंगी। और रही बात उस विंड स्प्रिट मॉन्स्टर की, तो इसे मार्केट में सेल करके इससे मिलने वाले स्पिरिचुअल स्टोन को हम बराबर बराबर बांट लेंगे। अब इस बंटवारे से यहाँ फैंग सहमत होता है, इसलिए वे दोनों एक एक जेड को अपने पास रख लेते हैं। कितने में वहाँ पे कोई पीछे से आवाज देते हुए कहता है कि लगता है मैं यहाँ पे लेट पहुँची हूँ। अब ये लड़की कोई और नहीं बल्कि वी ही होती है। अब ये वी ही वही लड़की होती है जिसे हमने इस सीरीज के एपिसोड के शुरुआत में देखा था, और इसे चकमा देते हुए इसी के ही शिकार को फैंग ने हथिया लिया होता है। इसीलिए वी ही को देखते ही वह हैरान रह जाता है कि लगता है कि ये मुझसे यहाँ पे बदला लेने आई है। वीही उसे देखते ही कोसने लगती है और उसे काफी बुरा भला कहने लगती है। अब यहाँ वीही के साथ एक और बंदा भी आता है जिसका नाम लियो है। इसके बारे में नान ग्वान यहाँ फैंग को बताती है कि ये हमारे ही आदमी है क्योंकि ये हमारे ताइची का ही एक मेंबर है, और मैं जब यहाँ तुम्हारा वेट कर रही थी और तुम यहाँ जब नहीं पहुँचे तो मैंने ही इसे यहाँ पे बुलाया था अपनी मदद करने को। अब ये सुनकर तो फैंग मन ही मन खुश हो रहा होता है। उसे लगता है कि यहाँ पे नान ग्वान उसे इस तरह से एक्सप्लेन इसलिए कर रही है ताकि वो इस नए बंदे को देकर कुछ मिसअंडरस्टैंड ना कर ले। इसका मतलब ये हुआ कि नान ग्वान के दिल में सिर्फ मैं ही हूँ और मुझे इस तरह से वो धोखे में नहीं रखना चाहती, इसीलिए तो इतना जल्दी एक्सप्लेन मुझे कर रही है कि ये नया बंदा कौन है। अब यहाँ नान ग्वान भी वीही को जानती थी क्योंकि वही उसकी यंगर सिस्टर होती है। यहाँ पे वो उसे कहती है कि ये जगह इतनी ज्यादा डेंजरस है तो तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। आगे वो लियो से कहती है कि ऐसी डेंजरस जगह में तुम मेरे सिस्टर को क्यों लाए हो। जिस पे लियो उसे बताता है कि जब आपका मैसेज मुझे मिला था उस समय वीही वहीं पे थी, इसीलिए वो मेरे साथ आने के लिए इंसिस्ट करने लगी और मैं उसे यहाँ पे आने से नहीं रोक पाया। अब हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे लियो का पीछा वीही कर रही होती है। लियो उसे अपने साथ चलने को मना करता है क्योंकि उस केव में काफी ज्यादा खतरा है, जिसपे वीही उसे ये धमकी देती है कि अगर तुम मुझे अपने साथ नहीं ले जाओगे मैं सिटी के बाहर चली जाऊंगी और वहाँ पे मॉन्स्टर से फाइट करूंगी, और फिर अगर वहाँ पे मुझे कुछ हो जाता है तो मेरे सिस्टर को तुम ही जवाब देना क्योंकि मेरे सीनियर सिस्टर ने मेरी पूरी जिम्मेदारी तुम्हें सौंपी है। इस पे लियो उसे कहता है कि तुम्हें कैसे पता कि आखिर तुम्हारी जिम्मेदारी मुझे मिली है, जिस पे वीही उसे बताती है कि मैं जहाँ जाती हूँ वहाँ तुम मेरा पीछा करते हो, तो आखिर कौन ही ऐसा इडियट होगा जो इतने सी चीज से ये नहीं समझेगा कि तुम्हें मेरे ऊपर नजर रखने के लिए कहा गया है। जिस पे वो कहता है कि जब तुम्हें पता ही था तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। वीही उसे कहती है कि मैं इतने भी अभी स्टूपिड नहीं हूँ कि इस मौके को इतनी आसानी से जाने दूँ, तो अब बताओ कि तुम कहाँ जा रहे हो और उस जगह पे मुझे ले करके जाओगे कि नहीं। अब यहाँ बेचारा लियो के पास और कोई चारा नहीं होता और उसे बताना ही पड़ता है कि नान ग्वान सिस्टर ने एक ऐसे मैगॉट केव को डिस्कवर किया है जहाँ पे जेड यूंगजी है, लेकिन वो जगह खतरे से खाली नहीं है क्योंकि उसे जेड स्प्रिट की जो निगरानी है एक विंड स्प्रिट कर रहा है और नान ग्वान ने उस केव में अपनी मदद के लिए मुझे बुलाया है, इसीलिए किसी और को तुम्हारी प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी देते हुए मैं नान ग्वान के पास जा रहा हूँ। अब ये सुनते ही वी ही काफी एक्साइटेड हो जाती है कि उसे एक फोर्थ लेवल के विंड स्प्रिट मॉन्स्टर को मारने में काफी मजा आएगा।
और वो अपनी सिस्टर की मदद भी कर पाएगी, इसीलिए वो बिना सोचे समझे उस केव की तरफ जाने लगती है। अब यही उनके यहाँ तक आने की कहानी होती है। अब आगे हमें उस केव के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ विही को अब ये नहीं समझ में आ रहा था कि इस धोखेबाज इंसान के साथ उसकी सीनियर सिस्टर क्या कर रही है, जिसपे नानगुआन उसे कहती है कि आखिर तुम्हें किसने धोखा दिया है, तुम्हें जरूर यहाँ कोई गलत फहमी हो गई है। अब यहाँ पे वी ही उसे बताना शुरू करती है कि ये वही इंसान फैंग है जिसने उसके पास से वो दो लिजर्ट चुराए थे, और उन दो लिजर्ट को उसने अपने जाल में फंसाया था, और वो वी ही का सबसे पहला मॉन्स्टर था जिससे वो फाइट करने वाली थी, लेकिन फैंग ने आकर के सब कुछ बिगाड़ दिया और उसके दो लिजर्ट्स को भी चुरा लिए। जिसपे फैंग उसे कहता है कि अगर ऐसे ही बात है तो क्यों ना मैं तुम्हें अब इसके लिए कंपनसेट कर दूं, और मैं इसका हर्जाना देने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं बता दूं कि तुम जिस मॉन्स्टर से फाइट कर रही थी तुम्हें फाइट करने का टैक्टिक्स नहीं पता था, और वैसे भी तुम उनसे हार जाती इसीलिए उन दो लिजर्ट्स को मैंने तुमसे ले लिए थे। अब ये सुनते ही वीही का पारा चढ़ जाता है और वो उससे कहने लगती है कि अगर तुम मुझे इतना ही कमतर समझ रहे हो तो क्यों ना मैं तुम्हारे साथ दो दो हाथ कर लूं। जिसमे फैंग उसे कहता है कि याद रखना कि इस फाइट के लिए तुम इंसिस्ट कर रही हो, लेकिन अगर इसमें मैं जीत गया तो तुम्हें मुझे एल्डर ब्रदर कहना होगा। जिसपे वीही कहती है कि हारे मेरी जूती, और अगर तुम मुझसे हार गए तो तुम्हें पूरे एक महीने तक मेरी गाय और घोड़ा बनकर रहना होगा, इसके मेरे सारे बोझ को तुम उठाओगे और मैं तुम्हें एक सर्वेंट की तरह ट्रीट करूंगी। अब आगे वीही उसे कहती है कि जब मैंने इस फाइट के लिए इंसिस्ट किया है तो मैं तुम्हें चांस देती हूँ कि तुम पहला हिट करो। इसमें नानगुआन यहाँ फैंग से कहती है कि वो मेरी बहन है इसीलिए उसे हर्ट मत करना और जरा केयरफुल रहना। अब यहाँ फैंग फिर से अपना ख्याली पुलाव बनाने लगता है ये सोचते हुए कि उसे ये चिंता नहीं है कि मैं यहाँ पे हर्ट हो जाऊंगा, क्योंकि नानगुआन को मेझे में पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है कि मैं ही जीतूंगा। जिस पे एल्डर उसे कहते हैं कि अपने इस ड्रामे से बाहर निकलो और सबसे पहले तुम्हें देखना पड़ेगा कि उस वीही की कल्टीवेशन लेवल कितनी है। जैसे ही फैंग उसकी कल्टीवेशन लेवल को चेक करता है वो हैरान रह जाता है, क्योंकि वीही ने बहुत ही कम टाइम में डिवाइन सी रियल्म के फिफ्थ लेवल को ब्रेक थ्रू कर लिया था। अब यहाँ वीही कल्टीवेशन के फिफ्थ लेवल पे है। ये देखते ही एल्डर उसे पूछते हैं कि लगता है कि तुम्हारे अंदर अब कॉन्फिडेंट नहीं है उसे फाइट करने की, कि तभी वीही उसे कहती है कि लगता है कि तुम कायर हो और पहला हिट नहीं करोगे, तो चलो मैं ही इसकी शुरुआत कर देती हूँ। आगे वो अपने यूनिवर्सल बैग से एक स्फेरिकल शॉट निकालती है और अपनी सारी स्ट्रेंथ को यूज करते हुए वो उस शॉट को यहाँ फैंग के ऊपर तान देती है। अब उसकी स्ट्रेंथ को देखते ही फैंग यहाँ जोरों से हांफने लगता है, और इसी के साथ ही ये एपिसोड यहीं पे फिनिश होता है। सो अगले एपिसोड में देखेंगे गाइस कि इन दोनों के बीच कैसी फाइट होने वाली है। अब हालांकि ये तो इतनी सीरियस फाइट नहीं होगी, लेकिन इसमें बड़ा मजा आने वाला है। तो बने रहिए हमारे इस चैनल के साथ और कर दीजिए इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। Till then, take care, stay healthy, goodbye.